It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy combat is the most competitive, gamified contest for gate till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. फ्रेंड्स गुड इवनिंग वेलकम बैक टू रोन youtube चैनल अनकेडमी गेट सी सी एच वेरी गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को फटाफट सब लोग जुड़ जाएंगे एक बार जल्दी से पहले बताएंगे ऑडियो ऑडियो फुल क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है और गुड इवनिंग भाई चिंतू कार्तिक लोन फही मिलियास पुनीत आचल सौरभ चिरंतन देवेंद्र प्रियांशु गोपाल कुणाल सबको गुड इवनिंग प्रणाम जितने बच्चे जुड़ गए हैं सबको सबको गुड इवनिंग सर की तरफ से एक बार बताएंगे ऑडियो एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन ऑफ कंप्रेशन नंबर के बारे में ठीक है बहुत ही बेसिक और बहुत ही जरूरी क्लास होने वाली है ठीक है कल हम लोग जहाँ छोड़ा डिस्कशन उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे उससे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं चले हम लोग फटाफट हमको पता है सर की बेस्ट गेट रैंक फिफ्टी फाइव एंड थ्री सर एक्सपर्ट गेट ये सी के अंदर है सर ने अपना बेस्ट गेट रैंक नाइनटी बेस्ट गेट रैंक 55 और बेस्ट गेट्स को 92 निकाला हुआ सर है टीचिंग सरकार का साल से ऊपर है सब्जेक्ट सर ये सारे तुम लोग पढ़ा रहे हैं अभी फिलहाल सर तुमको स्टील पढ़ा रहे हैं शाम को चार बजे और दस बजे रात में पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स बेटा तुमने कर ली तो तुमको कोई भी हरा नहीं सकता ये सर की गारंटी एकदम पक्की खबर उतार है जो बच्चे सिविल्स केमिकल के हैं उनके पूरे पूरे नंबर आएंगे तो अगर हो पाए पॉसिबल हो तो जरूर से लाइव क्लास तुम लोग अटेंड कर सकते हो रात में दस बजे बढ़िया तरीके से ठीक है सर सर का कोड सी है जिसको यूज करके तुमको पता है तुम प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो ठीक है सारी बातें तुमको पता है प्लस के अंदर सारे बेसिक फीचर्स तुमको मिलते हैं और आइकॉनिक तुमको पर्सनल स्टडी मटेरियल प्लानर वगैरह सब कुछ मिलता है ठीक है अभी तीस तारीख से नोट कर सकते हो तीस ऑफ जून थर्टी जून से सवा नौ बजे रात में स्ट्रक्चर शुरू करने वाले हैं विवेक सर ठीक है विवेक सर स्ट्रक्चर शुरू करने वाले यहाँ पे तुम लोग इसको अकेडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो ठीक है ये सारे टॉप एजुटेड अकेडमी पढ़ा रहे हैं लक्ष्य और आरोहन बैच चलने वाला ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए ठीक है तो यहाँ पर सीएसएन कोड यूज करके तुम लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाकी जो बच्चे एटीन जुलाई को प्रीलिम्स देने वाले हैं ई एस सी का ट्वेंटी ट्वेंटी वन फिल्म देने वाले हैं वो लोग दो चार मॉक टेस्ट दे सकते हैं छब्बीस वाला चलो, चलो निकल गया अब तुम लोग तीन जुलाई को जो होने वाला है दस जुलाई को जो होने वाला है और पंद्रह जुलाई को जो हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है उसको तुम लोग दे सकते हो ठीक है और 2021 में तुम लोग जो भी जीएस देने वाले हो, तुम लोग सौरभ सर को फॉलो कर सकते हो जसपाल सर को फॉलो कर सकते हो सबको और बढ़िया से अपना प्रैक्टिस कर सकते हो ये सब प्रैक्टिस के लिए है के ऐप पे सोलह जून से स्पार्क एंड वर्व बैच भी शुरू हो चुका है तुम लोग चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो ये इंग्लिश बैच है फॉर इंग्लिश स्टूडेंट्स ओनली और कॉम्बैट दे सकते हो कॉम्बैट हमारे फिलहाल हो चुके हैं अभी और अब हम लोग जुलाई में जो कॉम्बैट होने वाले हैं उन सब की बात करेंगे वो हर वीकेंड वीकेंड होंगे हर संडे को और यहाँ तुम देख सकते हो प्राइसिंग अगर एक साल डेढ़ साल दो साल की हम बात करें ट्वेंटी सेवन थर्टी फोर थर्टी नाइन के अराउंड फीस है और सी एस एनसर का कोड इसको यूज कर सकते हो तुम लोग और आइकोनी अगर हम बात करते हैं ऐसी तो एक साल डेढ़ साल दो साल की बात है फोर्टी फाइव फिफ्टी एट और सिक्सटी सिक्स सी एस एन कोड यूज कर सकते हो उसके बाद सी एस एन कोड यूज करने के बाद कोड जरूर यूज करना वरना तुमको ज्यादा प्राइस पे करने मतलब तो है नहीं पे उसके असर हमारी प्राइस बढ़ने वाली है सबको पता है फर्स्ट ऑफ जुलाई से प्राइस बढ़ जाएगी तो तुम लोग अगर सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो तो सब्सक्रिप्शन तुम लोग ले सकते हो थर्टियथ जून तक बढ़िया से ठीक है नहीं तो प्राइस बढ़ेगी लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था तो उससे पहले तो थर्टीएत जून ठीक है रात के बारह बजे से पहले ट्वेल्व एम से पहले तुम लोग ले सकते हो ठीक है और औरर्टी जून को बैच भी शुरू हो रहा है थर्टी जून को बैच भी शुरू हो रहा है तो तुम लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो और आराम से आगे बढ़ सकते हो ठीक है तो ये है पूरी कहानी जो तुमको पता है प्लस पे पढ़ने की आइकॉनिक पढ़ने की बाकी हमको सही बच्चे अकेडमी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे सर बढ़िया बढ़िया स्पेशल क्लासेस उन लोग ले रहे हैं और अगर हम यहाँ पे बात करें तो भैया देखो ऐसा है कल हम लोग का कल का शेड्यूल सुन लो कल सुबह दस बजे हमारी स्टील की क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी क्योंकि बहुत दिनों से स्टील क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही है ठीक है एक बार हम जरा बात कर लेते हैं स्टील क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक है सर स्टील क्वेश्चन प्रैक्टिस कल हमारी चलेगी स्पेशल क्लास के ऊपर क्योंकि टेंशन नंबर से क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं तो हम चाह रहे हैं छुट्ट होने से पहले एक बार हो जाए ठीक है और कल से कोई भरोसा नहीं तुम तो क्लास होगी ना है। लेकिन ये है कि जब लौट के आएंगे तो तुरंत एकदम बढ़िया तरीके से क्लास चलेंगे इसलिए हम सोच रहे हैं कल सुबह जाने से पहले दस बजे सुबह स्पेशल क्लास हम लोग अच्छे से ले लें ठीक है और शाम को चार बजे स्टील क्लास हो सकती है नहीं भी हो सकती है इसका हम कुछ श्योर नहीं कह सकते हैं कल की बात बता रहे हैं कल की ठीक है आज तो फिलहाल सब चल ही रहा है ठीक है ये हमारी जो दो क्लासेस हैं ये हमारी थर्टी तारीख से लेके फोर तारीख तक रुकेंगी क्या पता फाइव भी लेकिन थर्टी से फोर तो फिक्स हो चुका है ठीक है तो देख लेना हैं ना उसके अंदर तो लोग लौट के आएंगे फिर अपना यही दोनों क्लासेस बढ़िया से यूट्यूब ऊपर चलती रहेंगे लेकिन फिलहाल कल सुबह हम लोग दस बजे स्टील क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वापस से सर आते हैं स्टील के ऊपर सर आप स्टील के अंदर हमको बहुत कुछ कल सिखा के गए थे जरा बात कर लेते हैं जल्दी से क्या क्या बता दी सर आपने आपने सर हमको पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह बहुत कुछ बताया था ठीक है बढ़ जाओ जल्दी हाँ तो आपने सर बताया था सब प्रॉब्लम्स निकल के आती है उसके अंदर बाकी सर आप हमको डिजाइन वगैरह कल समझा रहे थे कल आपने कोड पूरा खोल दिया था एकदम कोड के अंदर आपने बहुत सारी बातें हमको समझाई आपने हमको कल यूलर क्रिटिकल स्ट्रेस के बारे में समझाया यूलर ने मतलब बहुत ही थियोरटिकली मतलब चीज़ों को डिराइव किया ठीक है ये सब चीज़ें देखी थी अच्छा तुमको हमने इतना बताया था कि हमारा आ, दोनों एक्सिस में लेंथ अलग अलग हो सकती है ठीक है इधर से देखें इधर से देखें लेंथ हमारी अलग अलग हो सकती है ठीक है बात हो चुकी थी बहुत अच्छे तरीके से ठीक है सर तो दोनों एक्सिस में हमको सेव करना पड़ेगा हमको आज आजी बात याद रखनी है तुमको ये पता है रेडियस और गारेसन इधर लगा

कि अगर एक फिक्स है एक फ्री है तो कैसे कैसे क्या क्या चीजें थी ये सर हमको याद आ रहा है बाकी डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रट अगर वो स्ट्रट है तो हमको ये सारी वैल्यूज लेकर चलनी पड़ेंगी कि तुम उसको स्ट्रट की तरह कर रहे हो कि कॉलम की तरह कर रहे हो मेनली मतलब तुम्हारे दो मेंबर है कॉलम एक स्ट्रट कॉलम सर हमारे वर्टिकल मेंबर के में तो स्ट्रट हमारा इंग्लैंड भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं कहीं इसको यूज कर सकते हैं बूम में ट्रस्ट में ठीक है और बाकी देखो दोनों जो हमारी वीक एक्सेस होगी उसमें हम ज्यादा सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे ताकि स्ट्रॉग बने ये भी सर आपने बताया था आपने बताया सबसे मेजर चीज है सर बस कंप्रेशन में प्रॉब्लम पता है क्यों हो गई प्रॉब्लम सर इसलिए हो गई क्योंकि जो हमारे यहाँ पर डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी वो लेमडा का फंक्शन होगी और लेमडा खुद तीन चार चीजों का फंक्शन है बस यही सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई जिसके वह हमको ट्रायल्स लेने पड़ते हैं डिजाइन में ठीक है इसलिए कंप्रेशन नंबर थोड़ा सा टफ माना जाता है लेकिन तुम चिंता ना करो हमको बहुत आसानी से एकदम बढ़िया तरीके से समझा समझाएं सब कुछ ठीक है फिर सर आपने हमको सिलेंडर रेशो की वैल्यूज याद करवाई थी ठीक है सिलेंडर रेशो की वैल्यूज आपने याद कराई थी वो हमको याद हो गई सर एक सौ अस्सी फिर आपने ढाई सौ और तीन सौ बताई थी ये वैल्यूज हमको याद है ठीक है ये हमको एकदम अच्छी तरीके से याद है फिर सर आपने हमको टाइप्स ऑफ सेक्शन के बारे में बताया था ट्यूबलर सेक्शन बढ़िया बढ़िया सेक्शन आपने बताया था ट्यूबलर सेक्शन था सिंगल एंगल डबल एंगल ठीक है जनली वैसे ये सब यूज नहीं होते हैं जो एंगल जो सेक्शन चलते हैं वो हमारे आई सेक्शन होते हैं हैंवी सेक्न होते हैं थोड़े से क्योंकि कॉलम जनल लोड ज्यादा होता है ये तो हमने छोटे मोटे बताएं बिल्टअप सेक्शन जनली काफी कॉमनली यूज होते हैं किस में कॉलम मेंबर में या बड़े बड़े हैवी आई सेक्शन होंगे आज हम लोग को टेबल भी दिखाने वाले हैं देखना बहुत ध्यान से कोशिश हमें करनी है स्पेसिंग कम से कम रखनी है एरिया देखो हम लोग याद सीधी बात है लोड ज्यादा होगा तो बड़ा बढ़ाई लेना पड़ेगा लेकिन हम लोग चाहेंगे कि एरिया कम से कम हो लेकिन रेडियस ऑफ गारेन ज़्यादा ज़्यादा हो मतलब वो दूर दूर रहे एरिया बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे लेकिन वो कम से कम एरिया हो ताकि पैसा बचे पैसा बचाने का यही एक तरीका है ठीक है आज हम लोग इसके बारे में बहुत सारे डिस्कस करने वाले क्वेश्चन के थ्रू पूरा हम लोग समझेंगे ठीक है बाकी आपने बताया था लोकल बकलिंग से बचने के लिए काफ़ी कुछ हम लोग करना पड़ता है यहाँ पे आपने कुछ तरीके हमको सिखाए थे तो कल की क्लास में सर हम लोग ने मेनली अच्छा टाइप्स ऑफ बकलिंग हमने देखी थी सारी ठीक है ये सब हटाओ जरूरत नहीं है सबकी ज़्यादा सर आपने हाँ कल की क्लास में कल आपने हमको सर रेगुलर क्रिटिकल रोड समझाया था फॉर कॉलम एंड बोथ एंड आर हिस्ट शॉर्ट कॉलम में तो कोई दिक्कत है नहीं वो ईड करता है आराम से मैक्सिमम फोर्स निकाल लेंगे हम लोग उसको जल्दी नहीं देखते हैं हम लोग यूलर क्रिटिकल लोड तो ये थ्योरी हम लोग जोड़ते हैं पूरी यूलर क्रिटिकल लोड निकालते हैं यूलर क्रटिकल लोड को हम लोग इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस में कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे आई को ए आर इस पर हैं आई ए को नीचे ले जाते हैं फिर आपने बताया था कि यह बैंडिंग स्टिफनेस और लेंथ दोनों का फंक्शन है ई और एल दोनों का फंक्शन है जब ई चेंज होता है तो ये वैल्यू भी चेंज होगी लेंथ भी चेंज हो रही थी है ना तो मतलब मोटी मोटी सर आपने यहाँ बात बताई थी कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन हम कर बनाते हैं तो ई की वैल्यू चेंज होती है तो ये सब कुछ प्रॉब्लम थी सर अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर बनाते हैं तो हमारा यहाँ पे ई की वैल्यू चेंज हो रही है लेंथ के साथ हमारा मतलब कुल मिला के क्रिटिकल लोड यहाँ पे ई का फंक्शन है बेंडिंग स्टिफनेस का फंक्शन है और लेंथ का फंक्शन है अगर हमारा स्ट्रेस इसके ऊपर जा रहा है इसके नीचे है तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ई का फंक्शन नहीं होगा सिर्फ लेंथ का फंक्शन होगा क्योंकि इसके नीचे तो ई कॉन्स्टेंट रहता है ना बताया था सर आपने हमको याद आ रहा यह सब फिर आपने क्रिटिकल स्ट्रेस निकाला सिंपल डेरिवेशन करी तो स्क्वायर ई अपॉन एल स्क्वायर आ गया था लेमडा स्क्वायर आ गया था और ये यूलर ने ये लेकिन माना था कि इसमें कोई भी इम परफेक्शन नहीं है परफेक्टली स्ट्रेट है लेकिन ऐसा होता नहीं पॉसिबली ऐसा नहीं होता है तो कोर्ड ने क्या कर रखा है अच्छा ये बात तो तुम समझ रहे हो परफेक्ट फॉर्मूला बना पाना एकदम नामुमकिन है लेकिन कोर्ट ने थोड़ी कोशिशें करके जिसमें कई सारी चीजों का ख्याल रखा जाए तो हमारा डायग्राम फिर चेंज हुआ था कल हम यहां तक पहुंच गए थे एट्टी के नीचे इन्होंने ये ऐसे ऐसे ग्राफ बनाया फिर यूलर ने थोड़ा सा ग्राफ को ऐसे मॉडिफाई कर दिया लेकिन ये बताओ हमारा सही ग्राफ है नहीं ये ग्राफ सही नहीं है कोर्ड ने इन सब बातों को ख्याल रखने की कोशिश किया रियल कॉलम एक्चुअल में थोड़ा सा यूलर कॉलम से अलग होगा तो यूलर ने जो सारे एजेंशन नहीं लिए थे जिन चीज़ों को इग्नोर कर दिया वो चीजों का थोड़ा बहुत कंसिडेशन लेके एक नया फॉर्मूला एक नया कर बनाने की कोशिश की गई ठीक है एक नया फॉर्मूला नया कर बनाने की कोशिश की गई कलम यहाँ बनाया नहीं था बना देते हैं ठीक है तो ये हमारा आज से फाइनल कर चलेगा ठीक है तो यहीं से हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग डिजाइन के स्टेप्स वगैरह सारी चीजें अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन भी करने की पूरी कोशिश करेंगे आई होप सब लोग साथ चलेंगे और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे इसको ठीक है तो सर हमारे जो कर्व बनेंगे आपसे कुछ इस तरीके के हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं सर ठीक है इसमें ये थोड़ा सा रियल है ये थोड़ा सा रियल है थोड़ा सा और नज़दीक इसमें इम्परफेक्शन इनिशियल क्रुकेडनेस परफेक्टली स्ट्रेट ना होना लोड एकदम एक्जेल ना लगला रेजिडल स्ट्रेस और ये सारी चीजों का ख्याल रखा गया है और सेक्शन थिक है कि नहीं थिन है कि नहीं इन सब चीज़ों का कल हम लोग बताया था बकली की चार क्लास होती है ए बी सी डी ये सब ने बात करी थी आज हम लोग इसको और अच्छे से देखने वाले हैं ठीक है तो हमारा जो कर्व बना था कल हम लोगों ने देखा था करब जो हमारा बन रहा था गुड इवनिंग यार गुड इवनिंग सभी बच्चों को लोग कमेंट तुम लोगों को नहीं आ रहे हैं एक बार यार कमेंट देख लें ऐसा ना हो सर पता नहीं बोलते चले जा रहे हैं एक सेकंड रुको कमेंट कमेंट ही नहीं देख रहे हैं भैया ये लीजिए आप कमाल की चीज हो गई सर आज इतनी बड़ी क्लास में कमेंट नहीं आ रहा है दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्डेड बेटा मतलब जो टॉपिक देख रहा लो एटलीस्ट उतना तो पूरा देखो ठीक है अरे तो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं बेटा सुमित तुम बिल्कुल चिंता ना करो आज तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे हम लोग चेक तो दोनों एक्सेस में करेंगे ना दिक्कत क्या है गुड इवनिंग सब लोग गुड इवनिंग ही बोल रहे हैं बस अच्छा चलो ठीक है और कुछ खास बोला नहीं गया कमेंट में ठीक है यार शुरू करते हैं हम लोग हाँ तो हमारा जो कर्व है कुछ इस तरीके का बनता है यार कुछ इस तरीके का बनता है अच्छा इधर बताओ क्या लिखते थे जल्दी बताना शुरू करना जल्दी बताना शुरू करना सर इधर हम लोग इनको अंश वो नॉन डायमेंशनल करने के लिए क्या करते हैं यहां हम लोग एफ सी डी यहाँ हम लोग एफ सी डी की बात करेंगे एफ सी डी अपॉन एफ आई एफ सी डी अपन एफ आई तो एफ सी डी अपॉन एफ आई मेरा मान लो यहाँ पे बन है यहाँ मान लो बन है और यहाँ पे हम लोग नॉन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ लेमडा लेने की कोशिश करते हैं लेमडा जो हमारा होता है सर वो क्या होता है यहाँ पे जो लेमडा हमारा होता है वो होता है अंडर रूट एफ आई अपॉन एफ सी सी ये हमारा फाइनल कर्व है

पॉइंट वन तक नीचे जाते हैं ये पूरा इस तरीके से यहाँ पे देखो ऐसे जोड़ेंगे इसको सही बना रहे हैं थोड़ा गंदा बन है, रहा है रुकिए हो एक सेकेंड तो ये हमारे कर्ज हैं जो हम लोग को याद रखने हैं लगभग ठीक है सर चलो जो बन रहा है बनने दो यार अब है ना इसी तरह का मान लो कुछ ठीक है तो बस ये हमारा बनता हो आगे जाके सब लोग कॉमन हो जाते हैं आगे जाके सब लोग क्या हो गए सर कॉमन हो गए ठीक है ये बन जाता है कुछ इस तरीके का ठीक है चलिए नो प्रॉब्लम सर ये हमारा जीरो पॉइंट हो यहाँ लगभग थ्री वी कुछ लिखा हुआ है देख लेना ठीक है फिलहाल तो मैं इस कर्व से फिलहाल कोई मतलब नहीं है ठीक है इतना ज़्यादा है ना तो अच्छा ये बताओ एक चीज़ समझो यहाँ पे सर आपने एफ लिख रखा है ये जो आपने कर बनाया और जो यूलर कर था उसमें फर्क समझते ज़रा एक बार बस लास्ट और फिर हम लोग अपने क्वेश्चन के स्टेप्स पे आते हैं सीधे ठीक है सर देखिए जो आपका ये एफ है सर देखिए जो एफ सी है वो थ्योरटिकल है अच्छा हम हम तुमसे पूछते हैं बताओ कौन सा जो कॉन्सेप्ट है कोड का किलर साहब का कौन सा थ्योरटिकल है कौन सा प्रैक्टिकल जरा कमेंट करके बताएंगे सब लोग एक बार ठीक है बताओ कौन सा है कौन सा प्रैक्टिकल है जरा बताओगे हमको अच्छा यहाँ क्लास तो देखो हम लिखना भूल गए क्लास लिख देते हैं जल्दी से एक बार सबसे ऊपर वाला ए है भाई फिर बी है फिर सी है और लास्ट वाला डी है ए बी सी डी इस तरह की बात है भाई है ना ए बी सी डी ठीक है चलो हमको बताओ तो एफ सी सी सर आपका क्या था यूलर का हिसाब किताब था है ना यूलर बकलिंग स्ट्रेस था यूलर बकलिंग स्ट्रेस या हम बोल सकते है, Euler... है, देते हैं क्रिटिकल यूलर बकलिंग क्रिटिकल स्ट्रेस लेकिन कोर्ट ने जो डिराइव किया है वो करा ऑन द बेसिस ऑफ यूलर ही है यूलर बकलिंग क्रिटिकल स्ट्रेस है सर ठीक है नो no प्रॉब्लम बिल्कुल सही बात है क्या बता रहे हो कमेंट कर नहीं रहे हो कि दिख नहीं रहा है मैं यार ऐसा हो रहा है कमेंट कर नहीं रहे हो कि दिख नहीं रहा है भाई हमको बताओ जरा बताओ कोड प्रैक्टिकल यूलर है ना बिल्कुल सही हाँ नहीं नहीं ये नॉन डायमेशन फॉर्म है एक्चुअल में लेमडा ये नहीं है ये एक्चुअल में लेमडा नहीं है लेकिन ये हम लोग ये एक नॉन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ लेमडा हम लोग लेते हैं ठीक है थीके? ये नॉन डायमेंशनल अब देखो यहाँ पे एफ नहीं है हमने एफ को एफ से डिवाइड किया तो देखो जीरो से वन तक वैल्यू जा रही है समझ रहे हो ये हमारा लेमडा एक्चुअल नहीं है एक्चुअल लेमडा ये नहीं एफ आई अपॉन एफ सी सी यहाँ पे अंडरवुड में हमने ये नॉन डायमेंशनल फॉर्म ऑफ लेमडा है ठीक है इस लेमंडा को हम लिख देते हैं नॉन डायमेंशनल फॉर्म ये लेमडा अभी अभी तुमको कोड दिखाते हैं समझ जाओगे ये नॉन डायमेंशन फॉर्म है अपनी मतलब हमने किसी को किसी चीज से डिवाइड कर दिया है नॉन डायमेंशनल फॉर्म ठीक है वैसे तुमको ये पता है कि एफ जो हमारा होता है वो क्या है एफ हमको पता है एफ हमको पता है पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा होता है ठीक है तो लेमडा जब इधर आ जाएगा लेमडा जब, जब इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा पाई स्क्वायर ई अपॉन एफ ठीक है पाई स्क्वायर ई अपॉन एफ और पाई स्क्वायर ई को यहाँ से हटा के जो है एक एफ आई लगाने की कोशिश की अंडर रूट किया गया ठीक है ये मतलब तुम ऐसे कर सकते हो रूट लगा ये लेमडा स्क्वायर सॉरी लेमडा स्क्वायर है ना तो ये लेमडा स्क्वायर है जब तुम यहाँ का इधर रूट करोगे ऐसे रूट करेंगे जब हम लोग यहाँ पे तो तुम देखोगे पाई बाहर आएगा है ना अंदर क्या बचेगा अंडर रूट ई अपन एफ सी सी तो ये सब चीज़ें हैं बस और फिर हमने लेमडा को जब नॉन डेमेशन किया तो हमने एफ आई स्क्वायर को यहाँ लगा दिया अब स्ट्रेस इंटू नहीं लोड लगाया तो बस इसी तरह से मतलब ये एक नॉन डाइमिशन फॉर्म कोड के द्वारा तो सेलेक्ट किया गया ठीक है समझ सकते हो कुछ इसी तरह का बन रहा है ये तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से ली जाएगी बस इस पर ज़्यादा ध्यान ना तो कोई बड़ी चीज नहीं है एक सेकंड रुक जाओ ठीक है सर तो ये आपका नॉन एम फॉर्म हो गया उसके बाद और क्या है एफ सी डी हाँ एफ सी डी होता तो जल्दी से क्या है सर एफ सी डी सर हमारा डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है और प्रैक्टिकल चीज़ है है ना डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस है अच्छा तो हमको एक बात समझ में आ गई सर हमको एक बात समझ में आ गई कि डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो फंक्शन है किसका जल्दी कमेंट करो जल्दी बताओ डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ कई सारी चीज़ें डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इज अ फंक्शन ऑफ बताओ जल्दी जल्दी बताओ यार आज बता डालो फटाफट पहली चीज सर जो हमको पता है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस हम जो देख पा रहे हैं वो फंक्शन है किसका लेमडा का ठीक है वो किसका फंक्शन है लेमडा का ठीक है वो सिलेंडर रेशियो का फंक्शन है सबसे पहली बात दूसरी बात वो बकलिंग क्लास पर डिपेंड कर रहा है बकलिंग क्लास पर डिपेंड कर रहा है कि आपका सेक्शन थिक है कि नहीं आपका सेक्शन थिन है कि उसमें रेजिटर स्टेस ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो ज्यादा अनसिमेट्रिकल है कि नहीं है एंगल सेक्शन है कि सी सेक्शन है आई सेक्शन होगा तो और स्ट्रेंथ होगी है ना बकलिंग क्लास पर डिपेंड करता है इम्परफेक्शन पर डिपेंड करता है उसके अंदर इम्परफेक्शन है कि नहीं तो इन सारी चीज़ों पर बकलिंग क्लास एक तरह से इम्परफेक्शन में आ जाएगा ठीक है तो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है और एंड कंडीशन कैसी हैं उसको आप कितना सपोर्ट दे रहे हैं मतलब देखिए सर एक्चुअली क्या है ना लेंडा के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं लेकिन जो बकलिंग क्लास इसने जोड़ दिया नया टर्म इसमें सर बहुत सारी चीज़ें अकाउंट हो जाती हैं एक साथ ठीक है बकलिंग क्लास हमारा इम्परफेक्शन से आता है तो उसको हम कॉमा करके लिखना ज़्यादा बढ़िया रहेगा यहाँ पे इसको हटा देते हैं इन दो कोई लेके चलते हैं हम लोग तो हमारी जो डिजाइन स्ट्रेस है वो इन दोनों चीजों पर डिपेंड करती है बकलिंग क्लास मतलब ब्रैकेट में इम्परफेक्शन इम्परफेक्शन मतलब वही सारे जो यूलर ने माने थे वो सारे कोड ने प्रैक्टिकली देख लिए तो सर हमको एक बात समझ में आ गई है एक बात सर हमको ये समझ में आ गई है क्या बात ये समझ में आई है कि जो एफ सी है हम यहाँ लिख देंगे एफ का जो कॉन्सेप्ट है यूलर कॉन्सेप्ट थियोटिकल यहाँ लिखेंगे सर ठीक है यूलर डिराइव्ड कॉन्सेप्ट थ्योरिटिकली यूलर डिराइव कॉन्सेप्ट थ्योरिटिकली सही बात है सर यूलर डिराइव्ड कॉन्सेप्ट थ्योरिटिकली नो प्रॉब्लम सर ठीक है लेकिन हमारा एफ जो है प्रैक्टिकल अप्रोच है यहां पे ये समझना पड़ेगा यूलर डिराइव कॉन्सेप्ट थ्योरिटिकली मतलब कॉन्सेप्ट क्या कह रहे हैं क्रिटिकल स्ट्रेस लिखना पड़ेगा ज्यादा सही है यूलर डिराइव क्रिटिकल स्ट्रेस ठीक है क्रिटिकल स्ट्रेस लिखते हैं एफ सी सी थ्योरिटिकली ठीक है उसमें कितने सारे फालतू के मान रखे हैं ठीक है बट हम यहां लिख देंगे कि अगर हमारा कोड एफसीडी ले रहा है बट एफ सी डी बट एफ इज प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल क्यों क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हमेशा एक्सीडेंट एक्सीडेंटल इंसेंट्रिसिटी आएगी प्रैक्टिकल क्यों है क्योंकि देखो यहां ये सारी चीजें लेके चल रहे हैं कुछ परफेक्शन इम परफेक्शन आएंगे जरूर ये ऐसा होगा ई कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा परफेक्टली स्ट्रेट नहीं है लोड कंसेंट्रिक नहीं है तो ये सब चीजें हम लोग मान के चलते हैं एफ सी डीडी कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है ठीक है अच्छा हमको तुम अब ये बताओ जल्दी से कि ये तो एफ था ये तो आपका थ्रोटिकल है और ये एफ आपका प्रैक्टिकल है तो कम कौन होगा ज़्यादा कौन होगा बताओ जल्दी से सर सीधी बात है कल का जो आपने ग्राफ पढ़ाया था हमको यहाँ देखते हैं यूलर वाला हिसाब किताब तो उसमें सर ग्राफ आपका एफ था एफ और अभी आपने ग्राफ को थोड़ा नीचे शिफ्ट करा अभी आपने जब वो दूसरा ग्राफ बनाया था अभी थोड़ी देर पहले अगर उसको हम यहाँ बनाए तो वो ऐसा कुछ बनेगा ऐसा कुछ बनेगा ठीक है पहला फिर दूसरा फिर इस तरह से तीसरा यहाँ समझ रहे हो इस तरह से बनेगा लेकिन थोड़ा नीचे है कि नहीं बताओ भैया वो वन था वन एफ सी सी एफ आई तक जा रहा है एफ सी सी ज्यादा होगा एफ सी डी कम होगा तभी वो वन से थोड़ा नीचे से वैल्यू है ना यहां देखो भाई प्रैक्टिकल चीज जो होगी अब प्रैक्टिकल चीज का मतलब क्या है आपने सर इतनी सारी चीजें कर दी इंपरफेक्शन इतने सारे कर दिए तो भैया लोड कैरिंग वैसी घटेगी कि नहीं घटेगी बताओ लोड कैरिंग वैसी घटेगी सर बिल्कुल घटनी चाहिए जल्दी बोलो बेटा बता रहे हैं सब बताएंगे एफ सी डी लेस होगा बिल्कुल सही बात है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे इधर नोट डाल नोट डाल के यहाँ पे कि एफ सी डी जो कि हमारा एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा ज़्यादा होने वाला है ठीक है आसान सी चीज है इसमें हम लोग का जो रैशनल अप्रोच है लॉजिकल है ज्यादा लॉजिकल एफ सी डी है और हम लोग एफ सी डी से ही मतलब रखेंगे डिजाइन डिजाइन स्ट्रेसिव स्ट्रेस को हम लोग देखेंगे आगे ठीक है will always be lesser than FCC. FCC मतलब ये यूलर ने माना हुआ है ठीक है चलिए सर समझ गया अब इसमें हमको ज्यादा चर्चा नहीं करनी है स्टेप बताइए सर बस स्टेप जानने है बस बात खत्म हमको सर डिजाइन से मतलब है वैल्यू से मतलब है वैल्यूज कैसे आएंगे उससे मतलब है ठीक है पीछे कोड देखते हैं अभी हम लोग फिर ये हमको क्लियर हो गया और हाँ अब एक चीज और देखो जरा यूलर ही अगर हम लोग लगाते हैं यूलर लगाते बार तो, तो गलत निकलता अजम्पशंस क्योंकि बहुत ज्यादा थे और दूसरी चीज ये है कि यूलर का जो कॉन्सेप्ट था वो लेमडा एट्टी एट के ऊपर के लिए था लेमडना एट के ऊपर था उसके पीछे वो एफ आई मतलब यला कर्व जो था हमारा ये येला ठीक है जब हायर सिलेंड्रस थी तो उसके ऊपर ये वैलिड होता लेकिन अब जो हमारा कर्व बन गया है उसमें क्या ऐसा है कि 88 के ऊपर ये इक्वेशन लगाओ उसके पीछे कांस्टेंट ऐसा कुछ यहाँ पे है अब अब ऐसा कुछ नहीं है सर अब ऐसा कुछ नहीं है अब ऐसा कुछ भी नहीं सर अब ऐसा है कि आपकी सिलेंड्रस चाहे कम हो ज्यादा हो उससे कुछ मतलब आप इस कर्व को फॉलो करिए इस कर्व को आप फॉलो करिए इस कर्व को चुपचाप फॉलो करिए और इन चारों कर्व की वैल्यू चाहे सिलेंड्रस कम हो चाहे ज्यादा हो

सात से पहले एट्टी फोर में और उससे पहले क्या चलता था वो भी हम दो नोट लिखवाना चाहेंगे यहाँ पे ठीक है दो नोट हम यहाँ लिखवाना चाहेंगे दो नोट हम यहाँ लिखवाना चाहेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे ठीक है फिर हम डिजाइन में जाएंगे तो दो नोट डाल के लिख लेते हैं सर दो तीन कुछ पॉइंट लिख लेते हैं फिर हम लोग डिजाइन शुरू करेंगे नोट डालने से हम पहले बोलना चाहेंगे कि जो कॉलम की स्टडी है वो बहुत ही एक्सटेंसिव वे में की गई है एक है ना कॉलम की जो स्टडी है वो बहुत ही एक्सटेंसिव वे में लंबे समय तक की गई है तो 1984 के पहले 1984 तक एक दूसरा कोड था टू थावन बाय दूसरा कोर्ट चल गया है ठीक है तो ये बात याद रखना तो हम यहाँ लिखना चाहते हैं बिफोर ठीक है बिफोर 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 पॉइंट लिखेंगे पे पहला पहला आ आ गया गया देखो थ्योरी थोड़ी सी तुमको पढ़नी पड़ेगी यार देखो ए सी में चलता है यार थोड़ा बहुत थ्योरी तो लिखवा दे रहे हैं चिंता ना करना चाहते तो बिफोर नाइनटीन एट्टी फोर कोर्ड रिकमेंडेड कोर्ट को मतलब जिन साइंटिस्ट का लिटरेचर बहुत पसंद आया मतलब जो उनको थोड़ा सा अच्छा लगा तो वो उन्होंने रिकमेंड करा तो कोर्ट रिकमेंडेड किया

लेकिन ये 1984 के कोड के पहले चलता था ठीक है तब तक ये चलता था फिर 1984 में कोड बदला और उसके बाद सेकेंड फॉमूला थोड़ा सा ऑप्सिट हो गया और तब चलने लगा एक नया फॉमूला ठीक है ये बात समझने की कोशिश करेंगे ब्रैकेट में ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है भैया ये ख़त्म हो जाए जल्दी से क्या है एलापोन एट हंड्रेड आर एट हंड्रेड आर एट हंड्रेड ही है ना हाँ ये हमारा सेकेंड फॉमूला है आर का मतलब रेडियस ऑफ गैरियशन है ई तो तुमको पता ही है सेकंड पता है एफ आई स्ट्रेस होता है एफ सी हमारा होता है अज्यूम्ड एवरेज स्ट्रेस नहीं अलाउबल एवरेज स्ट्रेस ठीक है अलाउड एवरेज अलाउबल एवरेज स्ट्रेस पहले डब्ल्यू एस एम एम कॉन्सेप्ट चले थे ना सब जगह पहले भाई डब्ल्यू एस एम कॉन्सेप्ट चले थे उनको याद नहीं करना है ये ठीक है याद नहीं करना है कुछ भी याद नहीं करना है बस तुम यहाँ पे सर ये थ्योरी वाला पॉइंट याद करो बस ठीक है बता दीजिए आगे सर अगर हम बात करें आगे हम बात करें ठीक है फ्टर नाइनटीन एट्टी फोर आफ्टर 1984 आईएस 800 ने क्या फॉलो करना शुरू कर दिया ठीक है 1984, 800 800 का फंडामेंटलला तो कुछ और है लेकिन जो कोड में हम तुमको तो सीधे भाई लिख के दिखाएंगे बस कोड में पॉइंट सिक्स की ऑफ सेफ्टी ली गई है यहां देखो यहाँ देखो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी वन पॉइंट सिक्स एट है, है ना अभी जो अभी हम लोग का जो चल रहा है है अभी वाला भी लिखेंगे क्योंकि अभी वाला ही सबसे मेन है ठीक है रेकमेंडेड मर्चेंट रैंकाइन फॉर्मूला अच्छा सर ये है बात फंडामेंटल फॉर्मले में तो बहुत फॉर्मे फॉर्मला लगे लेकिन हम लोग जो सीधे फॉर्मला यूज कर रहे हैं वो देख रहे हैं ना तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है सिग्मा एसी जो आपका है अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस यहाँ पे जो हो रहेगा डब्ल्यू एस एम खूब पॉपुलर था डब्ल्यू एस एम वाला सब सिस्टम है यहाँ पे तो ये है पॉइंट सिक्स एफ सी सी एफ वाई ये एफ सी सी देखो तुमको पहचान में आ रहा होगा यार ये वही एफ सी सी है जो तुम जानते हो कोई भी बच्चा तब तक इस एफ सी सी का फॉर्मला लिखेगा तब तक हम पूरा फॉमूला कंप्लीट कर रहे हैं एफ सी सी का फॉर्मुला लिखो फटाफट एफ सी सी की पावर एन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फिर भी एज कम्पेयर टू ये सेकेंड फॉमूला की पावर एन है कि वन बाई एन एन है ये हमने पढ़ रखा था अपने टाइम में इसको हमने याद भी किया था यार पूरा की पावर एन और यहाँ पे क्या वन बाई एन है ना यहाँ पे क्या वन बाई एन ये हमारा फॉर्मुला बन गया इसको हम लोग बोलते हैं मर्चेंट रैंक इसमें पॉइंट सिक्स एफ आई यूज किया गया तुमको पता है FI हमारा होता था तो FI में ये सब रायता क्यों इंटू किया गया ये सब रायता इसलिए इंटू किया गया क्योंकि सर अब हमको पता है ईसेंट्रिसिटी परफेक्ट नहीं है कॉलम परफेक्टली लोडेड एक्जेक्टली नहीं है ये सब चीज़ें थी इसलिए यहाँ पे ये यह सब चीज़ें इंटू की जाती है ख्याल रखने के लिए ठीक है बस ऐसा समझ लो ठीक है सर बोल रहे हैं तो मान लेंगे ठीक है आपने बोला हमने माना है इसमें सबका जरा मतलब लिख दे रही सर जल्दी से मतलब लिख दीजिए इसका ये सर एन क्या है एफ सी देखो एफ तुमको पता ही है एफ तुमको पता है ठीक है, है हम एफ लिख देते हैं एक बार फिर से एफ की वैल्यू सर हमको पता है पाई स्क्वायर ई पाई स्क्वायर ई अपॉन लेमडा स्क्वायर कहते क्या थे भाई कहते क्या है उसको भाई यूलर ठीक है इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस वही यूलर वाला अपना भाई यूलर बकलिंग स्ट्रेस कह लो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस बोल दो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस बोल दो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस क्यों इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस बोलते हैं क्योंकि यार प्रोपोर्शनल लिमिट के नीचे ही सब कुछ हो जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट के नीचे ही सब कुछ हो गया ठीक है इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस हमारा यहाँ पे हो गया है ये हो गया लेमडा तुमको पता है स्टेंडर से इशू है और एन हाँ एन हमारा हा, एक फैक्टर है एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू वन पॉइंट फोर ली जाती है जनरली फैक्टर एज फैक्टर अज्यूम एज वन पॉइंट फोर और उसकी रेंज रहती है वन से थ्री अज्यूम करते हैं ठीक है ये डिपेंड करते हैं इम परफेक्शन के ऊपर ठीक है इसको हम लोग इम परफेक्शन फैक्टर ही बोल सकते हैं फैक्टर एज्यूम डेज एनपो ये सब लेकिन पुरानी चीजें हैं लेकिन अब हमारा कोड अब क्या कह रहा है हमारा कोड अब क्या कह रहा है सर हमारा कोड अब क्या कह रहा है हम लोग को वो फॉर्मले से मतलब है ठीक है हमको अपने फॉर्मले अभी के फॉर्मले से मतलब है

ने कौन सा बोल रखा है एफ सी डी ठीक है एफ सी डी बोल रखा हम तुमको यही पढ़ाएंगे एलेक्शन से मतलब हम लोग को बस अभी ठीक है तो एफ सी डी सर इन लोग कोड ने बोला है इन्होंने बोला कि एक लीजिए रिडक्शन फैक्टर एक लीजिए रिडक्शन फैक्टर हम लोग जाई बोलते हैं जाई बोलते हैं ठीक है यहाँ जाई कल बताया था ना हमने तुमको आगे लगाते हैं एफ आई नीचे लगाते हैं अपन गामा में लॉट कोई बता सकता है हम लोग एफ आई क्यों लगाते हैं कोई बता सकते हम लोग एफ आई क्यों बताते हैं क्योंकि रेंज कौन सी चल रही है यार रेंज कौन सी चल रही है बताओगे जरा हमको रेंज कौन सी चल रही है रेंज कौन सी चल रही है सर जी हमारी इलास्टिक रेंज चल रही है यह, ये यहाँ पर लिखते हैं सर इसमें जाई जो होता है उसका पूरा फॉर्मूला होता है वन अपॉन ठीक है हमको अभी देखो याद नहीं है लेकिन हम पीछे नहीं फाइव प्लस कुछ था ना क्या था यार भूल गए सर बहुत तगड़ी तगड़ी चीज़ें हैं बेटा कंप्रेशन वाला वन अपॉन क्या था फाइव प्लस या कोड खोल लेते हैं सर हम लोग कोड खोलते रहिए साथ साथ चलिए तो बहुत मजा आएगा क्योंकि चीज़ें जब दिखती रहेंगी तो और बढ़िया लगेगा है ना कि पावर पॉइंट कितना था पॉइंट फाइव था पॉइंट फाइव था ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा स्ट्रेस तुमको ये सब इतना याद करने की जरूरत नहीं है तुमको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है हाँ बस मोटी मोटी बात यह है कि जो स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर है वो आपका दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है सर अगर सब कुछ बहुत परफेक्ट होता है दुनिया परफेक्ट होता है तो हमारा जो कॉलम की कंप्रेसिव स्ट्रेस है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस उसको हम लोग सीधे एफआई और में नोट लेते हैं

Lambda जो हमारी है वो नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव रेशियो है ठीक है नॉन का सिलेंडर लिख दीजिए यहाँ पे स्लाइड में सब, सब कुछ होना चाहिए अच्छा चा, नहीं वन प्लस माइनस पॉइंट टू बेटा ये सब याद नहीं करना है बिल्कुल परेशान मत हो कोड में सब कुछ बहुत आसान तरीके से दिया था हम तो अभी क्वेश्चन कराएंगे तुम देखो खुद कहोगे क्वेश्चन बहुत आसान है सर ठीक है ये हमारा फाई का फॉर्मूला है फाई खुद देखो यहां पे लेमडा का फंक्शन है और एल्फा का फंक्शन है एल्फा हमारा क्या है इम्परफेक्शन फैक्टर ठीक है फाई कुछ बोलते हैं फाई कुछ बोलते नहीं है यार चलो जो भी ये लोग कुछ बोल तो नहीं रहे हैं तो ना बोले अच्छी बात है ठीक है और जो एल्फा हमारा होता है वो हमारा इम फैक्टर होता है एल्फा हमारा इम फैक्टर होता है टेबल से लिख लेंगे उठा के सीधे एल्फा जो हमारा होता है वो होता है इम फैक्टर अब हम लोग डिजाइन स्टेप्स लिखते हैं ठीक है अब हम लोग डिज़ाइन स्टेट लिखते हैं और बल्कि हम लोग एक काम करेंगे यहाँ पे एक छोटी सी फटाफट टेबल बना भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है छोटी सी टेबल बना देते हैं बकलिंग क्लास के ऊपर यहाँ पे फटाफट ठीक है यहाँ लिख देते हैं बकलिंग क्लास जो हमारी होती है यहाँ बकलिंग क्लास लिखेंगे और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लिखेंगे यहाँ अल्फा की वैल्यू लिखेंगे बहुत ज़्यादा जगह ले ली आ इसमें तुमने ठीक है यहाँ वैल्यू लिख देते हैं बकलिंग क्लास की क्या वैल्यूज़ निकल बताओ जरा मैं क्या वैल्यूज़ हमने पढ़ रखी थी सर हमने सर हमने क्या वैल्यूज़ पढ़ रखी जरा देखते हैं क्या वैल्यू ले रखी थी कल ये मान लो यहाँ पे ए बी सी डी चलिए सर लिखिए यहाँ ए लिखिए ये बी हो गया ये सी हो गया ये डी हो गया वैल्यूज़ क्या थी ये देखिए ना सर सीधे हम लोग टेबल में आएंगे सर हम लोग बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुके हैं देखो कल हम लोग को पढ़ाया था ये यहाँ देखो ठीक है देखो हम कल क्लॉज नंबर सेवन सेक्शन में दिखा रहे थे उनको तो कि सर ये जो ये जो स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर आपने चिपकाया है ना यहाँ पे जाई इसकी वैल्यू क्या है वन अपॉन ये पूरा लिख दिया हमने यहां पे ठीक है एक बार मैच कर लेते हैं जरा सब सेम ही लिखा हुआ है ठीक है पूरा सेम लिखा हुआ है कोड से तो मैच कर सकते हो यहां पे पाई की वैल्यू देखो वही लिखी है लेमडा देखो ये लिखा है ठीक है लेमडा हमारा अंडर रूट एफ आई अपॉन एफ सी सी लिख देते हैं लेमडा जो हमारा है बेटा लेमडा जो हमारा यहाँ पे वो हमारा अंडर रूट एफ आई अपॉन एफ सी सी है एफ आई अपॉन एफ सी सी है ठीक है तो ये सिस्टम है ठीक है सर समझ गए बात एफ सी सी हमको पता है स्क्वायर, ठीक है? एल्फा की वैल्यू कहाँगे टेबल में सर एल्फा की वैल्यू ये देखो एल्फा हमारा था पॉइंट थ्री फोर पॉइंटी सिक्स ट्वेंटी वन थर्टी फोर फोर्टी नाइन सेवनटी सिक्स ट्वेंटी वन थर्टी फोर फोर्टी नाइन सेवेंटी से लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है नोट्स में सब कुछ अच्छे से होना चाहिए इसलिए लिख दे रहे हैं है हम यहाँ पे ठीक है सर ये हम लोग समझ चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और ये तुम्हारे कर बने हुए हैं यहाँ पे तुम ये हमने बना के देख दिया उसमें उसमें तुम्हें बना दिया ठीक है देख सकते हो थ्री तक जा रहा है बस थ्री तक रहता है और पॉइंट टू तक तुम देख सकते हो ये पॉइंट टू पे लगभग लगभग यहाँ पे ये रहता है वन से नीचे है ठीक है तो ये हमारा प्रैक्टिकल कर्व है अलग अलग बकलिंग करव के लिए ठीक है और कोड ने देखो एक चीज़ समझ लो कोड ने स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर जाई की वैल्यू दे रखी है तो तुम्हें पूरा फॉर्मुल लगाया कैलकूल की जरूरत नहीं है कि तुम फाई निकाल लो लमडा निकाल लो तुमको सिंपल जाई निकालना है डायरेक्ट तो बहुत सिंपल हो जाता है सीधे बस ठीक है ठीक है और एक बात समझो हमको यहाँ पे जो ईड स्ट्रेस अलग अलग दिए हमको उससे मतलब नहीं हमको सिर्फ ढाई सौ से मतलब हमें सिर्फ ये लाइन याद करनी है हमें बकलिंग क्लास ए में अगर हम यहाँ थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा जूम कर देते हैं ठीक है एक चीज़ रुको आप स्टेप्स लिखेंगे इसके बाद हम लोग यहाँ देखो जरा एक सेकेंड हमको यहाँ सिर्फ ढाई सौ लाइन से मतलब है यार बस ढाई सौ लाइन से मतलब ठीक है ये क्योंकि ढाई हम लोग का जो क्वेश्चन है मैं ढाई सौ रहने वाला है हाँ सर बात तो सही है और यहाँ हमारी सिलेंडर रेशो लिखी हुई है और सर आपने एक चीज हमको और सिखाई कि रेशो कोई भी हो सकती है ये नहीं कि एटी एट से नीचे रहना है क्योंकि ये जो हमारा नया फॉर्मला बना है ज्यादा जनरलाइज है सारी चीजें अच्छे से लिखी हुई है सारी चीजें बढ़िया से तो आपको टेंशन नहीं लेनी है कि सिलेंडर रेशियो है क्या है बस आप टेन से शुरू करिए और नीचे तक जाइए और सीधे आप ढाई सौ करेस्पॉन्डिंग फैक्टर उठाइए ठीक है अब ये सिलेंडर रेशियो बहुत कम है जब बहुत कम चल चल रही रही है है के के भी नीचे के भी नीचे नीचे बता दें पॉइंट टू पे भैया पॉइंट टू पे कॉन्टेंट था ना भूल गए सर भूल गए पे कॉन्स्टेंट भूल गए याद ही नहीं आ रहा यहाँ देखो ग्राफ यहाँ ग्राफ देखिए यहाँ बताया ना पॉइंट टू के पीछे ग्राफ कॉन्स्टेंट है पॉइंट टू के पीछे ग्राफ कॉन्स्टेंट हाँ सर देखो यहाँ पे एक चीज समझो यहाँ देखो इधर फॉर्मले में देखो ये जो फाइव की वैल्यू है ना यार ये जो फाइव की वैल्यू है ये तभी है जब लेमंडा आपका पॉइंट के ऊपर हो क्योंकि पॉइंट के ऊपर होगा तभी वो ग्राफ नीचे जा रहा है पॉइंट टू के वैल्यू जब बड़ी होगी अब तुम बताओ अगर ऐसा हुआ लेमडा बहुत कम है मान लीजिए सर मान हमारी लेमडा इतना कम है कि ये वैल्यू पॉइंट टू से भी कम आ रही है तब क्या रखेंगे बताओ अगर लेमडा हमारा पॉइंट टू से नीचे है तब भी हम यहाँ पे पॉइंट टू रखेंगे इसको जीरो कर देंगे फिर इसको जीरो कर देंगे क्योंकि फिर हमारा वैल्यू कॉन्सटेंट चलता है सर फिर वैल्यू कॉन्सटेंट चलती है समझ रहे हो तो हम लोग सीधे यहाँ पे पॉइंट फाइव स्क्वायर रखेंगे तो हमारा ये लेमडा की वैल्यू पॉइंट रखेंगे सीधे वन प्लस पॉइंट टू स्क्र जब अगर कम है जब लेमंडा कम है तो ग्राफ कॉन्स्टेंट रहता है जब ग्राफ कॉन्टेंट रहता है तो आपको अल्फा कम नहीं रखना है फिर लेमडा कम नहीं रखना लेमडा को आप पॉइंट टू रखेंगे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए नंबर ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस हिसाब से कोड़े इसको हम लिख देते हैं यार यहाँ पे लिख देते हैं वरना भूल जाओगे तुम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं कि सर देखिए जनरली तो हमारा ये जो फॉमूला है जनरली आपका ये जो फॉमूला है यहाँ लिखेंगे दिस फॉमूला इज़ यहाँ लिखते हैं इसको डब्बा बना दे गया थोड़ा सा यार एन दीजिए इसको ऐसा लिखते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे से ठीक है इसके फॉर्मले में इधर आ जाओ ये फॉर्मला फॉर फॉर लेमडा ग्रेटर देन पॉइंट टू फॉर लेमडा ग्रेटर देन मतलब जब आपका सिलेंडर से, से काफी ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं चल रही लेकिन अगर आपकी सिलेंडर एशो टेन से कम या नॉन डायमेंशनल पॉइंट टू से कम होगा हम यहां लिखेंगे इफ इफ लेमडा लेस देन पॉइंट टू तब तुम्हें क्या यूज करना को बताएगा देन यूज इक्वल टू कितना देन यूज लेमडा इक्वल टू पॉइंट टू ओनली तो तुम पॉइंट टू ही यूज करो क्योंकि ग्राफ कॉन्स्टेंट है भैया उसके पीछे नीचे नहीं जा रहा है ग्राफ ठीक है ग्राफ नीचे आगे गया है ना तो बस हमारे यहाँ पे तब पॉइंट टू यूज़ करेंगे तब हमारा वही चलेगा ग्राफ कॉन्सटेंट वाला लेकिन सर आपको इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपने पॉइंट हमको फर्जी ही बताया क्यों हमको फर्जी बताया क्योंकि हमको इससे मतलब ही नहीं है यार हमको तो सर टेबल दी गई है ना हमको टेबल दी गई है हम यहाँ देख पा रहे हैं चीज़ हम यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हैं कि सर ढाई वाला अपना जो कर्व है बकलिंग क्लास एक ढाई सौ वाला जो कर्व है ना मैं आपको ज़ाय मिल गया और तुमको एक कमाल की बात बताते हैं तो तुमको सिर्फ इसी लाइन से मतलब है बस वन है देखो यहाँ और यहाँ देखो वैल्यू स्ट्रेस रिडक्शन होना शुरू हो गया पॉइंट नाइन नाइन फोर नाइन धीमे धीमे देखो जैसे जैसे सिलेंडर बढ़ रही है वैसे वैसे मेरा एफ क्या हो रहा है घटता चला जा रहा है क्योंकि स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर आता जा रहा है ठीक है हमको सिर्फ ढाई सौ वाली टेबल से मतलब बस ये बकलिंग क्लास भी आ गई ढाई वाली लाइन लेकिन तुम अगर स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर भी नहीं निकालना चाहते हो तुम अगर स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर भी नहीं निकालना चाह रहे हो ठीक है तो तुम डायरेक्टली एक काम कर सकते हो तुम सीधा एफ भी निकाल सकते हो यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि और आलसी लोग जो जो है वो सीधा स्टीडी निकालेंगे हमको इस ढाई सौ करेस्पॉन्डिंग देखना है तुमको सीधा स्ट्रेस ही मिल जाएगा बताओ सिंपल बात है कितनी सिंपल सी बात है तुमको ढाई सौ करेस्पॉन्डिंग सीधे यहाँ पे लेमडा करेस्पॉन्डिंग उनको ही मिल जाएगा ठीक है चलिए सर एकदम बात समझ में आ गई नो प्रॉब्लम और बकलिंग क्लास हम लोग अपने हिसाब से देख लेंगे बकलिंग क्लास ए बी सी डी डी यहाँ पे हम लोग इस तरह से डिफाइन कर लेंगे जो आपने कल समझा रखी है ठीक है आज हम लोग क्वेश्चन देखने ही वाले हैं एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग उसका निकालेंगे डिजाइन कम्प स्ट्रेस वगैरह ठीक है तो ये सब हम लोगों को कल बताई दिया था अब स्टेप लिखते हैं कि जब हम डिज़ाइन करेंगे तो क्या स्टेप हमको दिमाग में रखने होंगे ठीक है एक बार सब लोग लिख दो सर यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ तक लिख दो यहाँ तक सर हम लोग सब कुछ समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे समझ में आ रहा है ठीक है लिख दो एक बार देख देखने कोई पॉइंट ना छूट गया यार इतना सारा चीज़ें हैं यहाँ पे एक ही पॉइंट छूट जाएगा दिक्कत हो जाएगी कोशिश तो हमने पूरी करी कुछ छूटे वूटे नहीं क्रिटिकल स्टेज वैल्यू एक्सेंट स्लोप ऑफ ठीक है अच्छा एक पॉइंट और ले रहा है यहाँ पे देखो हमने यहाँ हेडिंग डाली थी इलास्टिक एंड इलास्टिक बकलिंग एक चीज़ जरा देख लो यहाँ पे ये कहोंगे ये नहीं ये ये ग्राफ एक बनाया था ई वाला है ना देखो यार एक चीज़ समझ लो अगर तुम्हारे क्रिटिकल स्ट्रेस की वैल्यू ठीक है जो क्रिटिकल स्ट्रेस एफसीसी आ रहा है एक बार हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे दो पॉइंट लिख देते हैं इस जगह अगर जो आपने क्रिटिकल स्ट्रेस निकाला सर है ना क्रिटिकल स्ट्रेस का फॉर्मला तो आपने लिख दिया अगर क्रिटिकल स्ट्रेस हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट के ऊपर आया चलो ना उसे दो सवाल पूछ रहे हैं इनका जरा आंसर दे दो तो फिर लोग डिज़ाइन शुरू करते हैं अगर हमारा क्रिटिकल स्ट्रेस एफ पी के ऊपर आया तो इसका क्या मतलब है बताएगा कोई इलास्टिक बकलिंग की इलास्टिक बकलिंग दो चीज़ें पूछने जा रहे हैं यहाँ पे दो चीज़ें पूछने पहले डब्बा बनाएंगे बढ़िया सा पहले सर बढ़िया डब्बा बनाएंगे ताकि चीज़ें समझ में आए दो डब्बा दो पॉइंट बताइए सर पहला पॉइंट कि आपका जो क्रिटिकल स्ट्रेस आया है वो प्रपोशनल वेट के नीचे भी हो सकता है प्रपोर्सन वेट के नीचे हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है तो बताओ कौन सी बकलिंग और क्रिटिकल स्ट्रेस अगर आपका ऊपर हुआ मुझे सर इतना तो दिख रहा है कि अगर एफ आपका एफ के नीचे हुआ और नीचे होने के बाद बकल कर गया तो आपका ई e कॉन्सटेंट उस समय है ना इस रेंज में सर आपका ई e कॉन्सटेंट रहता है मुझे पता है यहाँ पे ई कॉन्सटेंट रहता है और यहाँ पे ई e ही लेते हैं लेकिन यहाँ पे हमारा ई e नहीं लेते थे यहाँ पे ई e टी लेते थे ठीक है यहाँ पे हम लोग ई टी लेते थे ज नॉट कॉन्स्टेंट नॉट कॉन्स्टेंट है ना और हम लोग ईटी को यूज करते हैं क्योंकि टेंजेंट हम लोगों को लेनी पड़ती है अलग अलग चेंजिंग होती हुई तो ये क्या है ये कौन सी बकलिंग बताओ कौन सी इलास्टिक कौन इलास्टिक है समझ सकते हो बहुत आसान सी बात है क्योंकि हम लोग को क्रिटिकल का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया जहां तक यूज करना था बिल्कुल सही तो पहला वाला हमारा ये जो है ये इलास्टिक बकलिंग हो जाएगा और यह हमारा इलास्टिक बकलिंग हो जाएगा अब जाकर सर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ पाए हैं ठीक है ये सर हमारी क्या हो जाएगी इलास्टिक बकलिंग क्योंकि सर अभी हम लोग इलास्टिक पॉइंट के नीचे हैं लेकिन तब भी मुड़ गया कॉलम तब भी मुड़ गया कॉलम इसका मतलब कॉलम बहुत लॉन्ग है ठीक है इसका मतलब कॉलम बहुत लॉन्ग है है ना इसका लेमडा काफ़ी हाई होगा सर काफ़ी लेमडा इसका हाई होगा लेमडा हाई बेटा लेमडा जब बहुत हाई होगा तभी तो उसका एफ काफ़ी कम आया है कि नहीं बताओ लेमडा जब बहुत ज़्यादा होगा तभी उसका एफ कम आया है क्योंकि आपने बताया एफ और लेमडा स्क्वायर इनवर्स में है ठीक है और कुछ ऐसे कॉलम होंगे जो बहुत लंबे नहीं होंगे जो बहुत लंबे नहीं होंगे ठीक है जिनका लेमडा कम होगा तो एफसीसी उनका ज्यादा होगा ये सर आपके इनलास्टिक जोन में चले जाते हैं इनका लेमडा थोड़ा सा लो रहेगा ठीक है इनका लेमडा थोड़ा सा लो रहेगा ये तुम्हारे इंटरमीडिएट की रेंज है ये इंटरमीडिएट की रेंज है ये लॉन्ग की रेंज में है लेकिन आपने सब कुछ पूरा जोड़ जोड़ के हमको फाइनली बता दिया करना क्या फॉर्मुला कौन सा लगाना है? स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर वाला ठीक है तो स्ट्रेस फैक्टर इन टू एफ आई अपन गा नॉ करके जो वैल्यूज निकल के आती सीदे -सीदे दी है टेबल नंबर नाइन में ए बी सी डी करके अलग अलग चार टेबल में ठीक है तो एफआई के हम लोग देख ले जाएंगे ठीक है तो यहां तुमको सब कुछ आने शुरू हो गई अब हम लोग डिजाइन स्टेप डायन हैं क्या बोल रहे हो ई e कॉन्स्टेंट मतलब बेटा ई e कॉन्स्टेंट मतलब इलास्टिक मॉडल कॉन्स्टेंट्रिसिटी नहीं है इलास्टिक मॉडल एन देखिए क्या? क्या डाउट ई e मतलब कैपिटल ई e है सर अगर सिलेंडर्स होगा देन देखें टेबल से हाँ बिल्कुल हाँ हम लोग को क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना इसका देखो ग्राफ लीनियर नहीं है बेटा देखो ये ग्राफ ई e का अलग है वो जो ग्राफ ये ग्राफ लीनर है ही नहीं अच्छा एक सेकंड रुको जरा सब मिक्स करना शुरू कर दिया मिक्सिंग शुरू हो चुकी है अब मिक्सिंग एज स्टार्टेड इधर देखो तुम वो टेंशन मत लो तुम बस इतना समझो ये जो ग्राफ है इन ग्राफ की चार अलग अलग चार ग्राफ हैं ए बी सी डी इन चारों की जो वैल्यूज हैं इन चारों की जो वैल्यूज हैं वो तुमको सीधे सीधे कोर्ट से देखनी है जो कि यहाँ पे है हम फिर से लास्ट बार दिखा रहे हैं टेबल नंबर नाइन देखो टेबल नंबर नाइन तुम्हारे सामने है ये देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है सीधे सीधे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस इधर वाई एक्सिस पे है ठीक है वाई पे और करेस्पॉन्डिंग नीचे लेमडा लिखा हुआ है ये लेमडा की वैल्यूज लिखी है देखो टेन और हमको सिर्फ ढाई सौ करेस्पोंडिंग दिखना है बस जब ई लिस्टेंस ढाई सौ है और सिलेंडर रेशियो सौ दस है तो टू ट्वेंटी सेवन हो गया जब बीस है तो दो सौ चौबीस हो गया पंद्रह है तो इसके बीच में इंटरपोलेट करके निकाल लेंगे ठीक है ये बस इतनी सी बात है अब एक क्वेश्चन देखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा एक क्वेश्चन देखा जाए ठीक है चलिए सर तो पहले हमको स्टेप बताइए अरे भैया एक सेकेंड हट जाओ जल्दी ये हमने बता दिया पूरा ये पूरा हो गया फॉर्मूला वॉमला सारी थ्योरी हो गई ये हो गया तो हम लोग इसकी तरह से सब हम लोग यहाँ पे एफसीडी से मतलब रखेंगे ठीक है और इसकी वैल्यू डायरेक्टली कोर्ड से निकलती है इसकी वैल्यू डायरेक्टली कोर्ड से निकलेगी पूरी एक साथ ठीक है एफ की और एफ की वैल्यू जो हमको निकालें तो हमको दो तीन चीजें देखनी बस ए बी सी डी कौन सा कर्व है ठीक है तो कर्व कैसे डिसाइड होगा कैसे क्या करना होगा सर जरा हमको समझाइए बहुत दिमाग घूम रहा है सर एकदम दिमाग सर घूमना शुरू हो चुका है एकदम बहुत ज़्यादा तो ज़रा बताइए सर क्या करना है क्या करना है यहाँ पे ठीक है कॉलम में लिखना था ये सब चलो लिख दिया तो लिख दिया अब तो जो हो गया हो जाने दो चलो ठीक है इसको करते हैं हम तो लोग आप यहाँ पे हेडिंग डालते हैं हेडिंग डालते हैं सर डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन नंबर के स्टेप्स ठीक है जब आप कंप्रेशन नंबर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो देखिए आप ये बेसिक चीज़ दिमाग में रखें लेकिन अभी हम तुमको बिल्टअ का कुछ नहीं बता रहे हैं हम तुम्हें बिल्कुल नहीं बता रहे लेटेस्ट कॉलम कैसे बनता है लेटेस्ट कॉलम्स और बैटर्न कॉलम्स कैसे बनते हैं उसके बाद नहीं करेंगे हम लोग अब लोग सिर्फ बेसिक चीज़ समझ रहे हैं बस ठीक है तो डिज़ाइन ऑफ लिखना था ऑफ गायब हो गया डिजाइन ऑफ कंप्रेशन नंबर सर देखिए बहुत सिंपल से हम लोग समझाइए देखो सबसे पहला जो काम होता है हमारा होता है कि हमको लमडा अज्यूम करना पड़ता है डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन नंबर्स डिजाइन ऑफ कंप्रेशन अच्छा इससे पहले हम तुमको एक बात और बताना चाहते हैं कि आई एस हैंडबुक जो अपनी आती है handbook number one, design of compression members, वो handbook भी जरूरी है क्योंकि तुमको ट्रायल सेक्शन लेने होते हैं ना अच्छा इससे पहले हम एक बात करेंगे फिर हम डिजाइन के स्टेप लिखेंगे ठीक है सब लोग बहुत ध्यान सुनना हमारी बात अगर हम तुमको एक मेंबर देते हैं मान लो ठीक है सर जैसे मान लीजिए आज आपका मन कर गया और आपने हैंडबुक में से हमको आई एस एच बी थ्री फिफ्टी निकाल के दिया आपने हमको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी हम क्वेश्चन तुमको करवाएंगे तो तुम समझोगे और ज़्यादा सुनो सर आपने बोला आई एस एच बी थ्री फिफ्टी उठा लीजिए सर आपने आई एस एच बी थ्री फिफ्टी एट द रेट जो भी कोड वोड में लिखा था इस तरह से करके हमको इसको ले लिया और आपने हमको क्वेश्चन ही बोला कि बालकों ऐसा करो इसको गौर से देखो इसको गौर से देखो और इसकी स्ट्रेंथ बताओ बताओ ये कितना एक्सिल लोड झेल सकता है कितना लोड यहाँ पे हम सेफली अप्लाई कर सकते हैं ये तुमसे पूछा गया तो तुम क्या करोगे बताओ तुम क्या करोगे तुम अपने दिमाग में स्टेप बताओ तुमको पता तुम्हारे सेक्शन सामने है तुमको इसका थिकनेस ऑफ तुमको इसका रेडियस ऑफ गायरेशन इधर एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में सब कुछ तुमको पता है हैंडबुक में सारी वैल्यूज लिखी हुई है इस सेक्शन का एरिया थिकनेस ऑफ लैंड आर एक्स एक्स आर वाई वाई ग्रो सेक्शन एरिया सब कुछ तुमको दिया गया है मतलब सेक्शन आपके पास है तुमको सेक्शन अज्यूम नहीं करना तुमसे बोल रहे हैं कि सेक्शन का जरा हमको एनालिसिस करके बताओ और बताओ कितना कंप्रेसिव फोर्स यहां लगा सकते हैं हम लोग क्या करोगे तुम बताओ क्या करोगे बात करते हैं हम हम लोग लोग ठीक है डिजाइन शुरू करने से पहले हम यहाँ पे एक बेसिक चीज लिखने वाले हैं कि अगर हमको एक गिवन सेक्शन दिया गया तो क्या हम उसकी कंप्रेसिव लोड निकाल पाएंगे क्या हम उसका एनालिसिस कर पाएंगे पहले एनालिसिस की बात कर लेते हैं फिर डिजाइन ज्यादा अच्छा समझ में आएगा है कि नहीं तो क्या करेंगे देखो सारे बच्चे लोग सबसे पहले क्या करेंगे इसकी दोनों एक्सेस को लेंगे है ना तुम लोग यार होशियार हो तुम लोग क्या करोगे तुमने इस एक्सेस को पकड़ा तुमने इस एक्सेस को पकड़ा तुम दोनों दोनों एक्सेस तुम क्या करोगे हैंडबुक में से आर एक्स एक्स आर वाई वाई यहां निकालोगे ठीक है आर एक्स एक्स आर वाई वी निकालोगे तुम क्या करोगे फिर यहां रेशियो निकालोगे दोनों एक्सेस के अबाउट अब तुमको पता है रेशियो कैसे तुमको स्टेप दिखा रहे हैं सिलेंडर रेशियो कैसे निकलती है बताओ लेंथ अच्छा कॉलम की लेंथ दी गई होती है कॉलम की लेंथ भी क्वेश्चन तुमको दी गई होगी ठीक है कॉलम जैसे तीन मीटर का है पांच मीटर का है ठीक है दस मीटर का जो भी है दिया रहेगा लेकिन आर तुमको नहीं पता लेकिन तुम क्या करोगे एक बार आर वाई वाली रखोगे एक बार एक्स वाले रखोगे ठीक है वैसे कोड में यार इसको एक्स नहीं बोलते हैं कोड में इसको जेड बोलते हैं जल्दी सेड लेते हैं इसको है ना इधर जेड लेते हैं और इधर जो बाहर आती है उसको एक्स लेते हैं लेकिन कोई नहीं हमने इसको एक्स ले रखा है तो हम एक बार लेमडा एक्स में निकालेंगे सर एक बार लेमडा एक्स में निकालेंगे एक बार लेमडा हम लोग वाई में निकालेंगे ठीक है एक बार लेमडा हम लोग वाई में निकालेंगे अच्छा इतना दिमाग और एक बात और समझो एक बात और समझो बेटा तुमको एक बहुत कमाल किया बताते हैं भाई बात एक ये भी है कि जो हमारा एल इफेक्टिव है वो सर एक्स में अलग हो सकता है वाई में अलग हो सकता है एक्स में अलग वाई में अलग हो सकता है ये भी एक कमाल की चीज़ है सर हमारा जो एल इफेक्टिव है वो क्या पता है एक्स एक्सेस में अलग हो क्या पता वाई एक्सेस में अलग हो इसका एग्जाम्पल हम पीछे तुमको समझा चुके हैं चलिए मैंने लेमडा निकाला अब मैंने लेमडा निकालने के बाद क्या किया मैंने लेमडा निकालने के बाद क्या करा सर मैंने जाके वहाँ पे एफ सी डी की वैल्यू पकड़ ली सीधे मैंने लेमडा के बाद कोड में गए हम सर दौड़ के एकदम एफ सी डी निकाला हमने सेम चीज़ हमने इधर भी करी लेकिन हम देख रहे हैं कितना लोड इधर लग सकता है कितना लोड इधर लग सकता है फिर हमने एफ निकाल लिया फिर हमने एफ निकाल लिया ठीक है ध्यान से सुनना भाई एफ निकालेंगे तो हमने क्या करा हमने यहाँ पे देखा कि उस पर कितना लोड हम लोग लगा सकते हैं कैसे हमने सर एफ को जो भी हमारा आई सेक्शन है उसके ग्रॉस एरिया से हमने उसको उसके ग्रॉस एरिया से इंटू कर दिया सेम काम हमने इधर भी किया लेकिन हाँ ये जो हमारा एफ है सर ये हमारा एफ सी डी एक्स एक्सेस में निकला है ये हमारा एफ जो है वाई एक्सेस में निकला है ये हमारा एफ सी डी वाई एक्सेस में निकला और हमने इसको ग्रॉस एरिया से इंटू करा ठीक है ये हमको अल्टीमेट लोड मिल गया मान लो एक एक ये मान लो एक्स डायरेक्शन में आया है ये मान लो हमारा वाई डायरेक्शन में आया है समझे ये एक्स में आया ये वाई में आया हुआ है समझते चलना और अगर हमको सेफ लोड निकालना है तो हम इनमें से कौन सा लेंगे तुम बताओ इनमें से कौन सा लिया जाएगा तुम बताओ हम कितना लोड लगा सकते हैं कि फेलियर ना हो कौन सा लोग इसमें कमेंट करके बता सकते हो हमको इनमें से कौन सा चूज करेंगे हम लोग हाँ जितना तुमको जरूरत होगी अच्छा नहीं दिया रहेगा तब कॉलम बेटा चिंता ना करो हम बताएंगे सब अभी चिंता नहीं करनी है अभी इसको सुनो जो हम समझा रहे हैं जो समझा रहे हैं वो समझ में आना चाहिए उस पहले ठीक है ठीक है इन दोनों मिनिमम लेंगे और हम लोग सेफ लोड कैसे निकालेंगे सर हम लोग अगर सेफ लोड निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको वन पॉइंट से बस डिवाइड करना है इन दोनों में जो कम होगा हम यह लिख रहे हैं मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ जो भी इनमें कम होगा पी यू एक्स और पी यू वाई ठीक है वो लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए वन पॉइंट फाइव से उसको एड कर दिया वन पॉइंट फाइव से ये हमारी सारी कहानी होगी किसके अंदर जब आपका सेक्शन दिया होगा जब सेक्शन दिया होगा ठीक है बताओ ये समझ में आया सबको कि नहीं वन पॉइंट फाइव से वन पॉइंट फाइव नहीं मतलब गामा लिख सकते हैं ज्यादा बढ़िया रहेगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से एड करते हैं ना भाई एलेसएम का कॉन्सेप्ट एलेसएम का कॉन्सेप्ट ठीक है हम यहाँ पे काम करते हैं एक यहाँ पे हम काम करते हैं ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई के साथ जरा थोड़ा सा पहले एनालिसिस के बारे में लिख दिया फिर डिजाइन शुरू करते हैं फिर डिजाइन के भी हम अलग से बताएंगे ठीक है और देखो एक्सीडी कैसे निकालना है ये कैसे निकालना है आर कैसे चूज करेंगे ये सब हम तुमको हैंडबुक के थ्रू अच्छे से दिखाते हैं अभी सब तुमको हैंडबुक के थ्रू बढ़िया से बताते हम यहाँ पे ठीक है हट जाओ जल्दी जल्दी हटो यहाँ से ठीक है यहां पे हम लिखे हैं कि इस तरह से हमको क्या करना पड़ता है ना तुक्का लगाना पड़ता है यार हमको यहाँ पे तुक्का लगाना पड़ता है पहले हम यहां लिखेंगे यहां लिखते हैं सर कुछ बातें हाउ टू फाइंड हाउ टू फाइंड सेफ लोड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन ट्रायल सेक्शन ठीक है हाउ टू फाइंड सेफ लोड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन सेक्शन दैट कैन बी हाउ टू फाइंड कंप्रेसिव सेफ लोड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन सेक्शन ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा दैट कैन बी अप्लाइड ऑन सेक्शन तो पहले तो स्टेप वन अब यहां पे हम पहले इसके स्टेप लिख देते हैं जरा पांच स्टेप होंगे सर बहुत सिंपल पहला ठीक है नोट करिए सर आप नोट प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्शन कहां से हैंडबुक से ठीक है सारी प्रॉपर्टीज टी एफ आर एक्स एक्स आर वाई वाई और उसका जितना भी है सर सिस्टम सब उठा लीजिए नोट प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन सेक्शन ठीक है आई एस एच भी होता है हमारा समझ लो क्योंकि हम लोग कॉलम में अगर सिंगल सेक्शन आई एस एच भी सबसे बढ़िया माना जाता है नोट प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन सेक्शन ठीक है मेनली क्या हमको नोट करना है सर मेनली हमको नोट करना है आर एक्स एक्स एंड आर वाई वाई समझ गए सर दूसरा काम ये करना है आपको निकालनी है उसकी सिलेंडरनेस ठीक है बल्कि हम तो कहेंगे तुम दो बार क्यों निकाल लो तुम छोटा वाला निकालो सीधे ठीक है हम उसके हम बोलेंगे उसकी मिनिमम सेंडर्स uh, कौन सी यूज करें मिनिमम यूज करें ठीक है हम या लिखेंगे फाइंड फाइंड इट्स मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फाइंड इट्स मैक्सिमम रेशियो चाहे वो आपकी एक्स की एक्स की हो एक्स की ऐसे निकालेंगे सर एक्स की निकालेंगे एल एल इफेक्टिव इफेक्टिव इन इन एक्स 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 डायरेक्शन डायरेक्शन अपॉन आर या सर आप वाई डायरेक्शन निकालिए लेकिन यहाँ पे एल इफेक्टिव इन वाई डायरेक्शन निकालिए अच्छा तुमको ये तो समझ में आ रहा है ना लेंथ अलग अलग कैसे होगी लेंथ अलग अलग कैसे होगी ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ इनमें जो मैक्सिमम होगा वो आप निकाल लीजिए ठीक इन ली है इनमें इनमें जो मैक्सिमम होगा वो निकालिए आप एकदम बढ़िया तरीके से ये हमारा पहला हो गया ये हमारा पहला हो गया भाई ठीक है ये हमारा पहला और ये हमारा दूसरा ये हमारा दूसरा चल रहा है ठीक है पहला और दूसरा ठीक है ठीक है ओके सर ओके सर इसके बाद एक काम करिए जो भी इनका मैक्सिमम है फिर आप उस मैक्सिमम को यूज़ करिए यूज़ मैक्सिमम सिलेंडर एशियो यूज लेमडा मैक्स ठीक है यूज लेमडा मैक्स क्या क्यों यूज करिए टू फाइंड टू फाइंड एफ सी डी टू फाइंड एफ सी डी ठीक है करस्पॉन्डिंग टू बल्कि पता है हम लोग को मैक्सिमम नहीं फाइंड करना चाहिए यहाँ पे ये हम थोड़ा सा गलत कर दिया है दोनों लेने पड़ेंगे अलग अलग ठीक है यूज लेमडा मैक्स क्योंकि पता है क्लास भी अलग अलग हो जाती है इसलिए यहाँ पे काम करते हैं ना मैक्सिममा लिखो यहाँ पे फाइंड करो फाइंड इट्स रेशियो दोनों बोथ बोथ एक्सेस ठीक है एक बार एक्स में एक बार वाई में ये सही है अब क्या करेंगे देखो सर अब क्या करेंगे हम लोग एफ सी डी फाइंड करेंगे फाइंड एफ सी डी एक बार सर एक्स डायरेक्शन में ठीक है फाइंड एफ सी डी एक बार एक्स डायरेक्शन में और एक बार वाई डायरेक्शन में फाइंड एफ सी डी लेकिन फॉर गिवन बकलिंग क्लास फॉर गिवन बकलिंग क्लास देखो होता क्या है ना यार एक्स और वाई में भी बकलिंग क्लास अलग अलग हो जाती है तुम पूछोगे सर ये सब आप क्या कहानी बता दे रहे हैं एकदम से फॉर गिवन बकलिंग क्लास ठीक है अब इसके कर आप फाइंड एफ सी डी एक्स करिए लेकिन करस्पॉन्डिंग टू क्या करस्पॉन्डिंग टू ठीक है लेमडा एक्स एक्स ठीक है आर एक्स एक्स एल एफेक्टिव एक्स एक्स का पूरा सिस्टम हो गया गिवेन बकलिंग क्लास यहाँ अलग होगी और दूसरा फाइंड करिए फाइंड ये हो गया एंड आप एफ सी डी फाइंड करिए आप एफ सी डी फाइंड करिए बाई डायरेक्शन में ठीक है बाई डायरेक्शन में करस्पोंडिंग टू लेमडा वाई वाई करस्पॉन्डिंग टू वाई वाई लेकिन सर लेकिन सर यहाँ की बकलिंग क्लास अलग होगी सर ऐसा है ना पहले तो हमको ये समझ नहीं आ रहा बकलिंग क्लास कैसे अलग होगी दूसरी बात हमको ये भी नहीं समझ आ रही लेंथ दोनों डायरेक्शन अलग कैसे होगी ठीक है इसके बाद तो देखो कोई बड़ा काम नहीं है इसके बाद सब सेम है इसके बाद तुम्हारा जो छोटा आ जाए जो भी छोटा आ जाए उसको यूज़ कर लो ठीक है अगर हम उनसे पूछे यहाँ पे तुमसे कोई पूछे यहाँ पे फाइंड सेफ लोड कर दो ये पी सेफ लोड क्या था तुम बोलोगे सर पी सेफ लोड कुछ नहीं मेरा इन दोनों का मिनिमम उठाइए ठीक है, है? मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे मिनिमम ऑफ एफ सी डी एक बार एक्स डायरेक्शन में ए जी से इंटू करिए ग्रॉस एरिया से और एक बार वाई डायरेक्शन में देख लीजिए एक बार वाई डायरेक्शन का आप कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालिए उसको देख लीजिए ठीक है इंटू ए जी करिए जो छोटा है उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे जो छोटा आ जाए उसको आप यार डिवाइड करिए किससे जो छोटा है उसको आप डिवाइड करिए किससे गामा से ठीक है गामा हमारा जल्दी वन पॉइंट फाइव होता है ठीक है गामा लोड जो भी रहता है पता ही है तुम लोग को यार गामा फैक्टर वो पार्शल सेफ्टी फैक्टर लोड ठीक है पार्शल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड ये हमारा हो गया डिजाइन स्टेप ये सर हमने एनालिसिस सीख ली ये हमने एनालिसिस सीख डाली है पूरी ये सर हमने एनालिसिस सीख ली है आप कोई दिक्कत नहीं है गामा हमारा कितना है वन पॉइंट फाइव है वन पॉइंट फाइव बहुत छोटा हो गया यार इधर लिखो लिख देते हैं यहाँ पे गामा कुछ नहीं है सर पार्सल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड है पार्सल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड है कितना है वन पॉइंट फाइव आप जरा कुछ एक बार बातें और करेंगे है ना तुमको हमने बताया था एल इफेक्टिव दोनों की अलग अलग हो सकती है बिल्कुल हो सकती है रेडियस और गारेसन अलग अलग क्यों हो सकता है क्योंकि एरिया हमारा अलग, अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग एक्सिस में ठीक है लेंथ देखो दोनों तरफ अलग कैसे होती है पहले देख लो आज सब विजुलाइज करो पहले जल्दी से लेंथ दोनों तरफ अलग कैसे होती है कहाँ बताया था यार ये देखो यहां तुमको हमने उसमें बताया था देखो इधर अपनी लेंथ अलग आ रही थी यहाँ देखो लेंथ अलग इधर एल आई है इधर देखो एल बाई टू आई क्योंकि यहाँ सपोर्ट अलग कर दिया है ना तो अलग अलग एक्सेस में अलग अलग लेंथ भी हो सकती है कोशिश हमें करनी है कि माइनर में ज्यादा सपोर्ट दिया जाए है ना ये सर आपने समझा दिया अच्छा बकलिंग क्लास कैसे अलग हो सकती है ये बता दीजिए जरा सर बकलिंग क्लास दोनों एक्सेस में अलग अलग कैसे हो सकती है ये बताइए देखिए सर यहाँ पे टेबल अगर हम देखें कोड में ये देखिए टेबल नंबर टेन बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं मान लीजिए हमने रोल्ड आई सेक्शन चूज कर लिया मान रोल आई, से, आई सेक्शन चूज किया तो आप देखिए यहाँ पे आप देखिए तो वाई वाई तो देखिए मतलब अलग अलग एक्सेस में क्लास भी अलग है और जब क्लास अलग होगी तो भैया तुमको कर्व भी अलग अलग देखना पड़ेगा तब तुमको टेबल भी अलग अलग देखनी पड़ेगी सीढ़ी निकालने के लिए ठीक है अब मान लो तुमने लेमडा निकाला तुमने एक बार लेमडा एक्स में निकाला तुमने एक बार में निकाला बड़ी मुश्किल से ऐसा तुमने किया ठीक है बहुत मुश्किल से तुमने यहाँ पे ये काम कर रखा है और देखो यहाँ पे तो इधर हमारा ए है उधर हमारा बी है ये बात तो सर सही है एक तरफ ए एक तरफ बी एक तरफ ए है एक तरफ बी है ठीक है अरे भैया जल्दी आ जाओ ठीक है तो एक तरफ ए हो गया एक तरफ बी हो गया तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक बार बकलिंग क्लास ए यूज करेंगे ढाई सौ करस्पॉन्डिंग हम लेमडा जाके लेके देखेंगे और निकालेंगे ठीक है समझो बात को एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं यार ठीक है एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोग को हैंडबुक का भी इस्तेमाल पता चल जाएगा सर और हम लोग सारी चीज़ें अच्छे समझ लेंगे ठीक है अभी तुम यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हो तुमने एक कॉलम को लिया तुमने एक कॉलम सेक्शन लिया और उसको एनालाइज करोगे उसमें मैक्सिमम कितना लोड लग सकता है उसमें मैक्सिमम कितना लोड लग सकता है ठीक है एक छोटा क्वेश्चन पहले इसके ऊपर करा दें ताकि ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएँ फिर तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे यार है ना देखो कॉलम यार छोटा मोटा चैप्टर नहीं भाई पहले हम लोग को बता रहे हैं बिल्कुल सच्चाई के साथ और हम तुमको एकदम अच्छे से पढ़ा रहे हैं बहुत डेप्थ में हर चीज़ अच्छे से तुमको बता रहे हैं जितना हो पा रहा है ठीक है थोड़ा पेशेंस रखना बिल्कुल चिंता ना करना एक छोटा सा क्वेश्चन हम खुद से बना रहे हैं और हम लोग को पूरा वो करके दिखाते हैं ठीक है यहां पे हम लोग एक काम करते हैं एक आई सेक्शन लेने वाले हैं हम लोग हम लोग यहाँ पे एक आई सेक्शन अज्यूम करने वाले हैं और हैंडबुक से उसकी प्रॉपर्टी भी उठाएंगे एक रुक जाओ यार कोई आई सेक्शन दिख जाए बढ़िया सा यार ठीक है ठीक है ठीक है एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे फाइंड ठीक है फाइंड डिजाइन कंप्रेसिव लोड ठीक है दोनों फाइंड no कर लेंगे डिजाइन कंप्रेसिव लोड फाइंड करेंगे फाइंड डिजाइन कंप्रेसिव लोड बोल रहा है ठीक है अच्छा डिजाइन मतलब फैक्टर्ड होता है इसमें सेफ नहीं पूछा एक बात समझ लो अगर तुमसे यहां सेफ पूछा तो तुमको क्या करना पड़ता तुमको फिर डिजाइन लोड को डिवाइड करना पड़ता तुमको फिर डिजाइन लोड को डिवाइड करना पड़ता किससे वन से ठीक है तुमको बता चुके डब्लू ये एम एस एम ये फैक्टर्ड अल्टीमेट डिजाइन ये सब चीजें चलिए तो आप फिलहाल क्वेश्चन लिखिए हम सब समझेंगे बहुत तेज है सर आप बिल्कुल चिंता ना करिए बढ़ते चलिए बहुत तेजी से तो फाइंड डिजाइन कंप्रेसिव लोड और एक सेक्शन हम खुद से अपने मन से ले रहे हैं यहाँ पे आई एस एच बी आई एस एच बी थ्री फिफ्टी ठीक है हमने यहाँ नीचे हैंडबुक खोल रखी है हैंडबुक में हमने एक सेक्शन लिया उसकी प्रॉपर्टी हम लोग हैंडबुक में दिखाते हैं हमने आई एस एच बी थ्री हंड्रेड फिफ्टी ले लिया है और एट द रेट एट द रेट सिक्स सिक्सटी वन पॉइंट टू न्यूटन पर मीटर हमने यहाँ सेक्शन लिया ठीक है सोल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग बढ़िया से सोल्यूशन हम लोग शुरू करेंगे सोल्यूशन शुरू करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज जो हम सारी लिख डालेंगे ठीक है इसकी प्रॉपर्टीज हम सारी लिख डालेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं ठीक है थीके? लिख देते हैं आई एस हैंडबुक वन ठीक है फ्रॉम आई एस हैंडबुक वन फ्रॉम आई एस हैंडबुक एक बार जरा तुमको हम हैंडबुक का भी टूर करा रहे रुके रहना अभी जरा ठीक है पहले प्रॉपर्टीज लिख देते हैं फ्रॉम आई एस हैंडबुक वन इसका जो ये आपने आई एस एच भी लिया ना सर इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम उसको आप जिसको यूज करने वाले हैं तो हम इसको अगर हम देखें इसका एरिया सर जो दिया गया है हमारा वो दिया गया एट फाइव नाइन वन एम एम स्क्वायर सर आप सबसे जरूरी बात ये इसका आर एक्स एक्स और आर वाई वाई निकाल लीजिए ठीक है इसका, Rxx इसका जो आर एक्स दिया गया है जनरली पता है कोड में यार आर आर जेड बोलते हैं हर जगह है ना आर एक्स एक्स नहीं बोलते हैं आर जेड जेड बोलते हैं ये देख लिया जाएगा जैसा भी होगा आर जेड यहाँ पे कितना दे रहा है वन फोर्टी नाइन पॉइंट थ्री दे रहा है वन फोर्टी नाइन पॉइंट थ्री वन दे रहा है और आर वाई 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 के अबाउट ये दे रहा है कितना फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर बस हमको और ज़्यादा प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है और ही प्रॉपर्टीज पड़ती है जैसे हमको सी जी कभी निकालना पड़ता है जब हम लेटेस्ट वगैरह पढ़ाएंगे तब तो तुमको बताएंगे ठीक है जब हम लोग लेटेस्ट कॉलम्स लेते हैं ठीक है थीके? चलो और कमाल की बात ठीक है ये हमारा हो गया अब जब तुमको हम दिखा भी देते हैं थोड़ा सा हैंडबुक देख लो जरा हैंडबुक थोड़ा देख लो पहले तुम लोग सोचोगे सर हैंडबुक तो देख ही नहीं देखो ये हैंडबुक है ये क्या लिखा है आई एस एस पी सिक्स नाइनटीन सिक्सटी फोर क्या पता हमने पुरानी डाउनलोड कर ली हो ठीक है एक बार तुम लोग चेक कर लेना लेटेस्ट जो भी होगी इसके कंटेंट्स देखो पहले इसके कंटेंट्स क्या हैं ये ये जो हमारा हैंडबुक है ये पूरा मतलब आ, इसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सारे स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शंस जितने भी स्टैंडर्ड स्टील सेक्शंस हैं उनकी सारी की प्रॉपर्टी यहां पे लिखी हुई है ठीक है तुम कंटेंट देखो सबसे पहले जितने भी स्ट्रक्चरल शेप्स हैं अदर स्टील प्रोडक्ट जैसे कि हमारे स्टील बीम्स हो गई चैनल्स हो गए ये सारे हो गए ठीक है तो स्टील बीम्स हमको यहाँ पे दिख रही है पेज नंबर टू पे और थोड़ा देख लो पहले फिर देखिए बीम्स हैं चैनल्स हैं कंपाउंड सेक्शन जिसको को गर्डर की तरह यूज किया सकता है ना तो ये सब देखिए सर यहाँ पे जॉइस वगैरह हैं सिंगल चैनल है ये सब चीज़ देखो देखना शुरू करो पहचानो पहले अब फिर एंगल है सिंगल है डबल सिंगल एंगल यूज एज स्ट्रट एंड टाई देखो इनको भी हम लोग यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? ये सारे दिए गए हैं टेबल अलग अलग टेबलें बहुत सारी ठीक है, है, है सिंगल वेल्डेड तुमको हमने स्ट्रट में बताया था स्ट्रट हमारे सिंगल एंगल हो सकते हैं ठीक है डबल बोल्टेड डबल रिवेटेड या वेल्डेड हो सकते हैं सिंगल बोल्टेड सिंगल रिवेटेड सब तुमको हम पढ़ा चुके हैं स्ट्रट के अंदर तुमको हमने उस दिन दिखाई थी वीडियो सारी वो वीडियो कह रहे हैं इमेजेस दिखाई थी ठीक है उसके साथ देखिए बीम चैनल एंड अदर कंपाउंड सेक्शन यूज एज कॉलम कुछ बीम चैनल को हम लोग जोड़ जोड़ के कॉलम जरा यूज करते हैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेफ कंसेंट्रिक लोड निकालेंगे जो हम लोग अभी करने वाले हैं ठीक है तो देखो यहां पे भी यह ये सब चीजें हैं तो इस तरह से हमारा चल रहा है सिस्टम ये हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है पूरा ठीक है, है एकदम तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है आप पेज नंबर टू पे आइए पेज नंबर टू पे आइए और यहां पे लोग स्टील देखते हैं हमको जल्दी से पेज नंबर टू पे आइए देखो सर सर देखिए ये आपका आई एस एम बी चल रहा है ये रोल्ड सीवी में आई एस एम बी देखिए चलता जा रहा है आई एस एम बी हम यहाँ पे आई एस एच बी की बात कर रहे हैं हाँ ये देखिए सर आई एस एच बी आ गया आई एस एच बी आपने साढ़े तीन सौ लिया ठीक है आई एस एच बी आपने साढ़े तीन सौ लिया और छः सौ इकसठ चलो ठीक है जो भी है तो थोड़ा बहुत अलग है लेकिन आप यहाँ से सारी प्रॉपर्टी उठा लेंगे ठीक है यहाँ से आप सारी प्रॉपर्टी उठा लेंगे तो वन फोर्टी नाइन वगैरह क्या दिया है यहाँ पे ये यह देखो जरा क्या है यहाँ पे आर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है डेप्थ है वथ्थ ऑफ फ्लैज है थिकनेस ऑफ प्लान है विथ ऑफ वेब है मोमेंट ऑफ निर्शे दिए गए हैं सीधे और रेडियस ऑफ गारेशन आखिरी लाइन है ना रेडियस ऑफ गारेशन आखिरी लाइन है तो हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ गारेशन इस तरीके से चूज कर लिया ठीक है थीके? ये भले ही यहाँ से मैच ना करे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आई से अभी साढ़े तीन सौ का हमने जो एरिया वगैरह है अपने हिसाब से निकाल लिया है ठीक है भाई बात समझ में आ गई होगी यार ठीक है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेडियस ऑफ गारेसन वगैरह चूज कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ फोर्टीन पॉइंट सिक्स फाइव दिया लेकिन हम ये सेंटीमीटर में दिया तो उसको हम एम एम में कर लेंगे तो हम तो उम्मीद करेंगे तुम आई सच बी थ्री फिफ्टी की प्रॉपर्टीज ऐसे चूज कर सकते हो ठीक है समझ गए समझ गए हम लोग वहां सेंटीमीटर नहीं हम लोग यहाँ पे तो हमने ये वैल्यूज उठा ली पीछे से वहां से यह वैल्यूज हमने उठा ली ले, ठीक है लेकिन वहां पे जो कोड था ना उस कोड के अंदर से सा सारी वैल्यूज हमारी सेंटीमीटर एम सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखी हुई थी ये सेंटीमीटर स्क्वायर में था एटी फाइव पॉइंट नाइन वन इन लिखा है तो हमने वहाँ पे एट फाइव नाइन वन एम एम स्क्र कर दिया ये सारी प्रॉपर्टीज हमको मिल गई ठीक है यहाँ तक सब कुछ क्लियर है एकदम ठीक है अरे जो हमारी वाली टेबल हम हमको दिखा रहे हैं पुरानी वाली है नई वाली में थोड़ा सा वैल्यूज चेंज है ना पूछना पूछो बेटा बिल्कुल बीस नंबर क्वेश्चन बनेगा लेकिन सीखना तो पड़ेगा यार रुक तो सकते नहीं है चैंपियन हम लोग सर क्वेश्चन को थोड़ा और टफ करें हम लोग क्वेश्चन को अगर हम लोग और टफ कर दें यहाँ पे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप लेंथ भी अलग अलग ले लीजिए क्वेश्चन थोड़ा सा अगर और टफ करना चाहें तो आप लेंथ दोनों जगह अलग अलग ले लीजिए ठीक है थो आप थोड़ा सा और टफ बनाइए आप लेंथ जो है Z डायरेक्शन लीजिए Z डायरेक्शन लेंथ आपकी सात मीटर इधर मान लीजिए पांच मीटर ऐसे अलग अलग कर दीजिए ठीक है इधर जो केल है इधर मान लीजिए सात मीटर है क्या पता आपने इधर ब्रेस नहीं कर रखा है और मान लीजिए इधर बाई डायरेक्शन में ठीक है बाई डायरेक्शन मान लीजिए आपकी जो लेंथ आ रही है वो मान लीजिए आपकी पांच मीटर आ रही है सर ऐसा क्यों ऐसा क्यों भाई देखो इसका कॉन्सेप्ट है ब्रेसिंग एंड ब्रेसिंग का और क्या पता क्लियरेंस कम हो क्या पता क्लियरेंस कम हो ये भी सर आप हमको समझा चुके हैं ठीक है क्या पता है यहाँ पे क्लियरेंस कम हो क्लियरेंस की बात हमने बताई थी तुमको कहाँ बताई थी रोज तो रिवाइज करवाते हैं यार पूरा ये देखो कहाँ के डायग्राम यार अपना बहुत बढ़िया डायग्राम ये देखो ये देखो डायग्राम ये, ये दिखाया था हमने देखो एक तरफ कम है एक तरफ ज्यादा है और क्या पता इधर ब्रेसिंग कर करती तो क्या पता और छोटा हो गया ब्रेसिंग कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा लेकिन हमने ब्रेसिंग वाला कॉन्सेप्ट को बताया नहीं वो फॉमले और लंबे लंबे हैं वो फॉमले और लंबे और, और दिमाग खराब हो जाएगा तुम लोग का वैसे जो है इतना हाई लेवल चल रहा है सब वो ठीक है तो चलो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल हम लोग यहाँ पे आपने सर मतलब क्वेश्चन को कुल ला कठिन बना दिया है तो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हमें हम स्टेप देखेंगे यहाँ पे तो हमको पता है हमारी प्रॉपर्टी जगह सब मिल गई हम दोनों अब लेमडा निकाल ले दोनों ड्रेक्शन ठीक है, है हम यहाँ पे लेमडा निकाल ले ठीक है सर आइए बस ये छोटा सा क्वेश्चन इसको खत्म करके छुट्टी कर देंगे चिंता ना कर ज्यादा ठीक है इसको देख लो तो सर हमने यहाँ पे हमको स्टेप वन हमें पता चल गया ठीक है स्टेप वन अपना पूरा कंप्लीट है यहाँ पे अपना वन पूरा कंप्लीट है ठीक है सर हम लोग सेकेंड पे आते हैं तो सर हम लोग ने एक बार काम करा एक बार हमने यहाँ पे एक बार जेड में एक बार भाई में हमने लेमडा निकाल दिया तो हमने यहाँ पे इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो निकाली चलो साथ साथ चलो जरा हमारे साथ साथ चलो हम तुमको अभी दिखाते हैं पूरा लोड निकाल के ये सब सीख लो इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो सर आपने निकाली दो जगह दो जगह निकाली एक बार भैया कहाँ जेड के अबाउट लेमडा जेड निकाला और एक बार आपने निकाला एक बार निकाला वाई के अबाउट ठीक है तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा एल इफेक्टिव अपॉन यहां लिखेंगे हम लोग एल जेड अपॉन आर जेड ठीक है इस तरह से निकालेंगे और यहां पर हम लोग निकालेंगे एल वाई अपॉन आर वाई ठीक है तो सर यहां पे हम लोग जब करेंगे सात मीटर अपॉन ये एम एम में करना है ना इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये बताओ सर हम यहां पे ऐसा कर देंगे यहां पे हम ऐसा कर देंगे क्या नाम है सात मीटर अच्छा 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 तो इसको सात सात हजार एमएम कर देंगे अपॉन इसको कर देंगे 149.3 ठीक है 149.3 ओके okay, सर नो no प्रॉब्लम और इसको भी हम लोग करेंगे इसका इसका पाँच हज़ार करेंगे क्योंकि इधर अपनी लेंथ अलग है सर है ना इधर अपनी लेंथ अलग इधर हम लोग करेंगे 53.4 सही बात है सर बिल्कुल कितना कितना आ रहा है जरा बता देना हमको जल्दी से यार ये कितना कितना आ रहा है ये सर मेरा फोर्टी सिक्स पॉइंट एट एट फाइव फोर्टी सिक्स पॉइंट एट एट फाइव आ रहा है चलो ये लिखते हैं हम लोग फोर्टी सिक्स पॉइंट एट एट फाइव फोटी सिक्स पॉइंट एट एट फाइव आ रहा है ठीक है और इधर से आ रहा है कितना नाइन्टी थ्री पॉइंट सिक्स थ्री नाइन्टी थ्री पॉइंट सिक्स थ्री ठीक है अच्छा ये बताओ ये जो सिलेंडरस आई है सही है कि नहीं हमको सर एक चीज़ और चेक करनी है कि जो सिलेंडरनेस निकल के आई है वो सही है कि नहीं हमने तुमको पढ़ाया था कि जो भैया हमारी परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो वो कितनी है कोई बताएगा कोई बताएगा, बताएगा? बताओ दोनों एक्सेस में सिलेंडरनेस सही है कि नहीं और डेड लोड लाइव लोड जब लगता था तो परमिसिबल सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता था कोई बताएगा हमको कोई बताएगा बताओ कम टेंशन ज्यादा कंप्रेशन टेंशन दे रहा भैया है ये सही है हाँ सही है क्यों क्योंकि 180 से कम है दोनों वैल्यू तुम ये देख सकते हो ना ये दोनों चीजें से 180 से कम है सही बता रहे हो तुम लोग वेरी गुड ये भी सर मेरा 180 से कम है हाइट से लिखते ज्यादा बड़ी दिख रहा है सर ये भी मेरा 180 से कम है ये भी 180 से कम है ये भी 180 से कम है तो ओके है ये दोनों सब मेरे 180 से कम है दोनों 180 से कम है ना, वेरी गुड सर जनली कौन सा बकलिंग होता है बेटा इलास्टिक होता है क्यों क्योंकि ज़्यादा होता है, के डिपेंड करता है बेटा लेमडा कम होगा तो इलास्टिक तो इलास्टिक होगा लेमडा बहुत ज्यादा होगा तो ईड तक पहुंचने से पहले ही वो मुड़ जाएगा जनरली यही होता है कॉलम अच्छे खासे लंबे होते हैं ईड तक पहुंचने से पहले ही मुड़ सकते हैं वो ठीक है चलो ये सही है अब हम आगे क्या करें बताइए सर आगे ऐसा करना है हमको आगे थर्ड स्टेप हम लोग को सर इंटरपोलेशन करना है हमको सर इंटरपोलेशन करना है टेबल देख के एक तो अच्छा एक बात और सुनो Z एक्सिस और Y एक्सिस ठीक है Z एक्सिस हमारी मेजर एक्सिस होती है एक्स वाली अब सर आपने यहाँ पे कौन सेक्शन लिया आई एस एच भी लिया है आपने सेक्शन यहाँ पे आई एस एच भी लिया है बना दीजिए जरा थोड़ा सा थोड़ा सा बना दीजिए सर ये हमारा सेक्शन है ये हमारा सेक्शन है बढ़िया सर ठीक है ये हमारा सेक्शन है जरा हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सर ये जो इसमें सेक्शन आपने बनाया हुआ है बहुत इंटरनेशनल सेक्शन आप बना रहे हैं यहाँ पे ये सर इसकी ये वाली आपकी जेड जेड है ये वाली जो एक्सेस है सर ये इसकी जेड जेड है ये जेड जेड है और ये आपकी वाई वाई है ठीक है ये, ये आपकी वाई वाई है अब क्या है कि जेड जेड और वाई वाई में बकलिंग क्लास भी अलग है सर बकलिंग क्लास भी अलग है अभी तुम इसको भी देख लो हम देखो तुमको अभी अभी दिखाया थोड़ी देर पहले जस्ट अभी मैं तुमको दिखाया था यहाँ पे देखो जरा अरे अरे तो वो कॉलर कोड है आई एस देखो रुक जाओ रुक जाओ नहीं सही है हाँ ये देखो बकलिंग क्लास में अगर हम देखें बकलिंग क्लास ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या लिखा है कि सर अगर आपका रोड आई सेक्शन आपने चूज किया हुआ है ठीक है यहाँ पे हमको एच थ्री फिफ्टी दिया गया है एच हमको थ्री फिफ्टी दिया गया सही बात है थिकनेस विकनेस हम लोग सब वहाँ उससे देख लेंगे वो हमें फिलहाल जरूरत नहीं है देखो थिकनेस अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे चाहो तो ठीक है थिकनेस वगैरह तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कहाँ चला गया यार वो ये देखो आई सेल भी साढ़े तीन सौ है ना तो थिकनेस वगैरह सब तुम आराम से रीड आउट कर सकते हो यहाँ पे ठीक है चलिए सर नो प्रॉब्लम कर लेंगे जो भी है तुम यहाँ देखो सर देखिए जेड जेड के अबाउट अगर बेंडिंग जेडजेड हो रही तो बकलिंग क्लास ए है वरना बकलिंग क्लास बी है ये सब लोग नोट कर पा रहे हैं जेड जेड बकलिंग क्लास ए इसमें वाई में बी है है ना तो सर एक बात हम लोग समझ गए एक बात हम लोग समझ गए जो आप बता रहे हैं यहाँ पे कि बकलिंग क्लास भी सर अलग अलग है, है ना बकलिंग क्लास अलग अलग है ठीक है तो हम लोग जब हम लोग इसके अबाउट यहाँ पे अब हमको क्या करना है सर एफ निकालना है ठीक है हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पहले हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करेंगे कि फाइंड एफ लेकिन फाइंड एफसीडी में सर बहुत सारा दिमाग वाला है क्यों क्योंकि फाइंड में पहले हम बात करेंगे अबाउट एक्सिस सर देखिए जब आप अबाउट एक्सिस बात करेंगे जब आप अबाउट एक्सिस बात करेंगे ठीक है तो अबाउट एक्सिस सर दो चीजें हमको दिख रही हैं एक तो लेमडा से अबाउट एक्सिस में लेमडा अलग है ठीक है क्योंकि आर ज्यादा है आर ज्यादा होने से देखो लेमडा घट जाता है काफी आर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है देखो लेंथ भले ही यहाँ पे सात मीटर है लेकिन आर देखो कम से कितना फर्क पड़ रहा है आर ज्यादा होने से तो यहाँ लेमडा जो गेड में आया सर जी हमारा वो आया है फोर्टी सिक्स और बकलिंग क्लास कितनी है भाई एंड बकलिंग क्लास, 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 ए. क्लास, ए क्लास ए क्यों अभी तुमको समझा दिया हमने हमने तुमको बता दिया इसमें के अराउंड बकलिंग क्लास ए होती है थीके? और एफ आई कितना है एफ आई तो सर देखिए उसमें कोई दो राय नहीं है हम लोग ढाई सौ लेकर चलेंगे हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है ज्यादा दिमाग हमको लगाना है नहीं सर है ना ये हो गया इधर की कहानी ये हो गई इधर की कहानी अब हम आते हैं तुमको दिखाते हैं सीधे आओ टेबल देखो सीधे आओ यहाँ पे टेबल देखो और तुम वैल्यू उठाओ सर देखिए बकलिंग क्लास ए है आपका तो आपको स्ट्रेस रिडक्शन करने की जरूरत है ये हमारा बकलिंग क्लास ए हो गई ये देखो एफ सी यहाँ देखो लिखा है बकलिंग क्लास ए हाँ सर दिख रहा है टेबल नंबर नाइन है कोड में देख लेना स्ट्रेस हमारा कितना ढाई है सर ईड स्ट्रेस हमारा कितना ढाई दिख रहा है ना सबको यार ढाई दिख रहा है हाँ सर दिख रहा है ढाई और लैमडा जो आपका आएगा जो आपने निकाला हुआ है लेमडा जो आपने निकाला है वो क्या भाई 46 कितना था भूल गया यार 46.88 कुछ है ना तो 46.88 सिक्स यहाँ पे कुछ होगा एक काम करते हैं ना पेन आ जाएगा अपना थोड़ा सा ये देखो तो यहाँ पे कुछ 46 इसके बीच में आएगा और देखो ढाई के करस्पोंडिंग हम यहाँ आए तो इसके करस्पोंडिंग ये देखो दो चलो कोई नहीं 213 सौ तेरह के बीच में आएगी वैल्यू ठीक है अच्छा देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा एक्सीडी घटता जा रहा है घटता जा रहा है घटता जा रहा है एक्सीडी कम हो रहा है कम क्यों होगा क्योंकि लेंडा बढ़ रहा है कम क्यों होगा क्योंकि लेमंडा बढ़ रहा है ठीक है तो जो भी वैल्यू दो सौ तेरह दो सौ पाँच के बीच में आएगी क्योंकि फोर्टी सिक्स आ रहा है ना फोर्टी सिक्स फोर्टी सिक्स हमारा इधर के आगे है थोड़ा सा इंटरप्रेट देखो नहीं अभी करने आए हम ठीक है तो कुछ दो सौ पांच है ना दो सौ दस दस के अंदर आएगी थोड़ी सी वैल्यू ठीक है सही है 210 के अंदर कुछ आएगी वैल्यू तो ये जो वैल्यू हमारी आ रही है दो सौ सात पॉइंट फोर नाइन आ रही है इंटरप्रेट कर लेना ठीक है इनको पकड़ना इनको पकड़ना फोर्टी सिक्स वैल्यू क्या होगी वो इसके बीच में ही आएगी निकाल लेंगे सब लोग होशे आ रहे हैं अरे सर बिल्कुल निकालेंगे टेंशन मत लीजिए सर आप बिल्कुल निकालें हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है जो वैल्यू यहां पे आ रही है हम लिख दे रहे हैं जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है लिख देंगे एफ सी डी कितना आ रहा है सर सर एफ सी डी एक्स एक्स जो आ रही है वैल्यू वो आ रही है दो सौ सात पॉइंट कितना आ रहा है फोर नाइन दो सौ साठ में फोर नाइन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर ठीक है बात को तो अगर हम यहाँ पे डिजाइन कंप्रेसिव लोड निकालें अगर हम यहाँ पे डिजाइन कंप्रेसिव लोड निकालें पीसीडी में एक्स डायरेक्शन में है ना तो सर कुछ नहीं आपको क्या करना है स्ट्रेस को एरिया से इंटू करना है स्ट्रेस को आप एरिया से इंटू करिए और ग्रॉस एरिया कितना दिया गया देखो ग्रॉस एरिया पे कितना दिया गया एट फाइव नाइन वन दिया गया ठीक है ग्रॉस एरिया मेरा कितना दिया गया सर जी एट फाइव नाइन वन एट फाइव नाइन वन यहाँ पर हमको दिया गया है तो हमारा जो ये न्यूटन पर एम स्क्वायर करके आ गया थाउजेंड्स डिवाइड कर दोगे तो तुमको किलो न्यूटन में मिल जाएगा तो ये आ रहा है वन सेवन एट टू कुछ ठीक है वन सेवन एट टू समा है वन सेवन एट टू पॉइंट फाइव फोर किलोमीटर ठीक है ये तो तुमको पता ही है किलो न्यूटन में करने के लिए थाउजेंड डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है अब हम ऐसे ही बात कर लेंगे किधर ये तो सर आपने बात कर ली है अबाउट जेड एक्सिस आप जरा बात कर लीजिए अबाउट वाई एक्सिस अब जरा बात कर लीजिए यहाँ पे अबाउट वाई एक्सिस ठीक है आप जरा यहाँ पे बात कर लीजिए सर अबाउट वाई एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस ठीक है अबाउट वाई एक्स हम दूसरी बकलिंग क्लास की बात कर रहे हैं तो अगर हम निकालें तो सर देखिए ऐसा है about y access, सर आपका सब है है सर आपका देखिए देखिए सब अलग अलग चल रहा इधर कितना में नाइनटी थ्री पॉइंट उसके बाद बकलिंग क्लास कौन सी बेटा कमेंट करना एंड बकलिंग क्लास सर कौन सी हमारी बी है बकलिंग क्लास हमारी कौन सी है सर जी बी है ठीक है और जो एफ है आपका जो एफ वो आपका कितना 250 ढाई सौ फिर हम वहाँ कोड में गए फिर हम वहाँ पे कोड में गए और हमने निकाल दिया एफ लेकिन आपकी एक्स नहीं वाई एक्सिस में ठीक है जेड बोल रहे थे बार बार यार शुरू से जेड चल रहा था यहाँ पे आपने एक्स कर दिया चलो कोई नहीं तो ये आपका हो जाएगा वाई और ये आपका जेड जेड तो हमने इंटरपोलेट करा सर इंटरपोलेट करा और हमारा एफ सी वाई कितना निकल के आया देखना पड़ेगा वहां पे लेकिन अब ये बताओ हम लोग क्या बकलिंग क्लास ए वाला कर लेंगे क्या हम लोग बकलिंग क्लास ए लेंगे नहीं सर हम लोग को अब जाना पड़ेगा बी में हम लोग को सर अब जाना पड़ेगा किसान बी में देखो ये हमारा बी आ गया ये बी आ गया ठीक है सर आ गया ये आपका ढाई है ढाई है सिलेंडरस कितनी नाइन्टी थ्री थी है ना यहाँ देखो नाइन्टी थ्री थी नाइन्टी थ्री हाँ सर नाइन्टी थ्री पॉइंट सिक्स थ्री तो हम लोग एक काम करने वाले हैं हम लोग एक काम करने नाइन्टी थ्री ठीक है ये आपका ढाई है सर ढाई सौ नीचे चलिए नाइन्टी पे आइए है 90 से हंड्रेड ये देखो 90 से हंड्रेड और यहाँ पे हम लोग इधर आएंगे तो ये हमारा आ जाएगा येल लाइन है ना तो नाइनटी से करस्पॉन्डिंग अगर हम वैल्यू निकालें तो यहाँ पे कहीं आएगी यहाँ पे कहीं आएगी ठीक है लेकिन क्लास बी है ये क्लास भी देख रहे ठीक है सही है सर नो प्रॉब्लम बिल्कुल बात समझ में आ गई बढ़िया से ठीक है तो हमारी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे ये लोग दे रहे हैं वन दे रहे हैं वन तो वन के बीच में ही है 128 इसके बीच में ही है, है लेकिन बिल्कुल सही है सर 128 है तो यहाँ लिख दीजिए आप 128 आपको 128 समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल यहाँ 128 लिखिए इंटरप्रेट तुम लोग कर ही लोगे तो यहाँ वन ट्वेंटी एट पॉइंट कुछ ये लोग बता रहे हैं 19 आ रहा है ठीक है 128.19 आ रहा है और फिर इस तरीके से आप लोड यहाँ पे भी निकाल लेंगे इस तरीके से लोड आप यहाँ पर भी निकाल देंगे बस यहाँ पर हम लोग अच्छा खासा एनालिसिस पूरा सीख गए हैं और इसके साथ तुमको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ये वाई डायरेक्शन में हो गया स्ट्रेस इन एरिया करो स्ट्रेस इन एरिया करो बेटा स्ट्रेस इनटू एरिया एरिया हमारा वही रहा 8591 एरिया तो भाई देखो उससे क्या फर्क पड़ रहा है टोटल ये तो वही है लेकिन उसका डिस्पोजिशन अच्छा होना चाहिए ठीक है उसका डिस्पोजिशन अच्छा होना चाहिए यहाँ पे 1000 से ऐड कर देंगे ताकि किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाए ये वैल्यू कितनी आ गई कुछ 1100 करके आ रही है 11 1101.28 किलो न्यूटन ठीक है ये आ रहा है बस ये आया बताओ हमारा अगर, अगर हमसे कोई पूछे अच्छा ये जो लोड है ये फैक्टर्ड है मतलब आप एक्सिस में इसका मतलब सर ये हुआ कि वाई एक्सिस में आप फैक्टर लोड आप लगा सकते हैं लगा सकते, सकते हैं है, 1782 ठीक है तो सेफ क्या हो जाएगा बताओ हमको सेफ लोड कैसे निकालना होगा बिल्कुल सही x को a क्लास y को क्लास हाँ बेटा ऐसा है बिल्कुल हाँ, Z को को क्लास क्लास A और y -Y B, assume नहीं किया है, table में दिया है बेटा रुको एक सेकेंड अज्यूम नहीं किया में, table number 10 तो लिखा हुआ सेक्शन दिख रहा है पहला रोड डाई सेक्शन में सबसे पहले में तुम यहाँ देखो बोल रहा है कि अगर उसकी बकलिंग जेड एक्सिस हो रही है तो बकलिंग क्लास ए होगी अगर वाई के अबाउट हो रही तो बकलिंग क्लास बी होगी समझ रहे वो भी तब वो भी तब जब थिकनेस ऑफ फ्लैंज क्या हो चालीस से कम हो वो भी तब जब थिकनेस ऑफ फ्लैंज चालीस से कम हो लेकिन हमारा जो ये आई एस एच बी है ना ये जो आई एस एच बी है इसकी थिकनेस जो है वो कमी है इसकी थिकनेस जो है वो फ्लैंज की चालीस से कम ही है यहाँ पे ठीक है फ्लैंज की थिकनेस चालीस से कम है तभी हमने इसको ए और इसको बी माना है अब तुम पूछोगे सर चालीस से कम क्यों है फ्लैच की थिकनेस यहाँ देखो यहाँ देखो जरा थिकनेस ऑफ फ्लैंज ये देखो थिकनेस ऑफ फ्लैंज वाला कॉलम है थिकनेस ऑफ फ्लैच वाला कॉलम है सर वाला कॉलम वाला कॉलम वाला कॉलम तो देखो यहाँ पे ये देखो आई एस एच पी थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी और देखो यहाँ पे थिकनेस कितनी है कमी है सब कुछ फोर्टी से कमी है यार है है ना सब कुछ से से कम है, तभी हमने लिया अगर ज्यादा होता तो वो दूसरा हो जाता ठीक है समझ गए बात को तभी हम लोग यहाँ पे बकलिंग क्लास ए और बी ले रहे हैं थिकनेस है, और एच वाई भी हमेशा वन पॉइंट टू से ज्यादा ही होता है तुम सब प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो तो कुल मिला हैंडबुक में सेक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बकलिंग क्लास को डिफाइन करने के लिए समझ गए अब बताओ कोई कन्फ्यूजन अब बताओ कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे देखें बिल्कुल सही आप एकदम तुम तो लोग को क्लियर हो गए ठीक है तो हम लोग हम लोग इसमें से कम वाला ले लेंगे मतलब हम ये कहेंगे हमारे कॉलम पे आप 1100 से मत लगाइए ज्यादा फैक्टर्ड लोड ये फैक्टर्ड लोड फैक्टर निकला है डिजाइन वाला लोड अगर हमको बोला यहाँ तो सेफ लोड निकालो अगर हमसे कोई पूछे यहाँ पे वट इज द सेफ लोड तो हम बोलेंगे सर सेफ लोड कुछ नहीं है सेफ लोड मतलब सर्विस लोड जो एक्चुअल हम लोग अप्लाई करेंगे सेफ लोड मतलब एक्चुअल लोड जो हम लोग अप्लाई करेंगे ठीक है तो मैक्ममम अप्लाइड लोड जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा मैक्मम अप्लाइड लोड जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों में जो कम होगा ठीक है इन दोनों में जो कम होगा मिनिमम ऑफ समझ चुके हो भाई जो पीछे लिखाया था मिनिमम ऑफ क्या दोनों का वन सेवन एट टू तो इसका फाइनल आंसर बता दो और हम लोग यहाँ पे छुट्टी करेंगे और हम लोग को सर आज बहुत ज़बरदस्त चीज़ें समझ में आई हैं हम लोग आज बकलिंग क्लास को डिफाइन करना सीख पाए हैं काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें तुमने सीखी बकलिंग क्लास डिफाइन करना सीखे थिकनेस ऑफ लेंस का देखो अभी तुम्हें कॉन्सेट पता चला हैंडबुक में कैसे चीजें देखनी है वो तुमको बात समझ में आई है ठीक है नई वाली हैंडबुक देखना बस ये इनमें जो कम होगा अपॉन अपॉन तो ऑब्वियसली कम वाला लेना है ठीक है क्योंकि अगर वाई सेफ हो गया तो अपना जेड तो ऑटोमेटिकली सेफ हो होगा क्योंकि तो उसमें वैसे ही रेडियस ऑफ गैस ज्यादा है तो जो आंसर यहाँ पे आएगा कितना आएगा बताओ जरा हमको क्या भैया आंसर बताएगा कोई हमको आंसर कोई बताएगा तुम लोग आंसर नहीं बता रहे हो सेवन थर्टी फोर ठीक है बढ़िया सेवन थर्टी फोर एट सिक्स सेवन थर्टी फोर पॉइंट एट सिक्स ये फाइनल आंसर हो गया कुछ बच्चे बाद में से पूछ रहे हैं एट फाइव नाइन वन कहाँ से आ गया है फिर से हम लोग बता रहे हैं हैंडबुक में लिखा है बेटा हैंडबुक में ठीक है हमारी हैंडबुक थोड़ी पुरानी है तो थोड़ा सा वैल्यूज इधर तो हो रही है ठीक है लेकिन तुम देखना सीख लो कोई दिक्कत नहीं है ये देखो यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है ये डेप्थ ऑफ सेक्शन वेथ वगैरह मोमेंट एरिया तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे ये लिखा है सेक्शन एरिया है ना सेक्शनल एरिया देख रहे हो सेक्शनल एरिया लिखा हुआ है तो इसी लाइन में नीचे चलो दूसरा कॉलम 350 350 आई एस एच बी देखो आई एस एच देखो ये देखो क्या लिखा है 85.9 फाइव दिख गया देखो जब ध्यान से अब जूम कर रहे हैं यहां देखो तुम जरा एक सेकेंड देखो यहाँ वैल्यूज़ क्या क्या लिखी हुई है एट्टी फाइव पॉइंट नाइन वन फोटी पॉइंट नाइन थ्री फाइव पॉइंट थ्री फोर आप जरा और इधर देखो यहाँ देखो सर ये आई एस एच बी थ्री फिफ्टी है ये इसका एरिया एट्टी फाइव पॉइंट नाइन वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो मैंने एम mm एम स्क्वायर कर दिया ये देखो इसका आगे निकल गया वो बहुत मुसीबत है बहुत ही ज़्यादा मुसीबत ठीक है एट्टी फाइव पॉइंट नाइन वन दिख रहा है यहाँ देखो 14.93 5.34 तुमने तो 149.3 लिखा और इसको 50.4 लिखा यहाँ सबको सेंटीमीटर में दिया है बस 14.93 5.34 को हमने क्या लिख दिया 14.93 को हमने 149.3 लिखा 5.34 को हमने 50 वहां पे सब सेंटीमीटर में यहाँ पे सब कुछ mm में है आपको दिक्कत आरसीसी के लेक्चर में आपने शुरू के वीडियो में पहले से पढ़ाए हुए बोर्ड हैं पढ़ा है बोर्ड है क्या मतलब बेटा समझी नहीं आ रहा है चलो तो उम्मीद कर रहे हैं बहुत कुछ तुमको समझ में आ गया होगा भैया काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा और यहाँ पे एक डाउट और आ गया है टेंशन है कल कराएंगे ना सुबह कल सुबह दस बजे क्लास रखी है हम लोग ने ठीक है बिल्कुल चिंता नहीं करनी आप जरा बात सुन लो जरूरी अभी तुमने जो सीखा है ना यहाँ पे पहले जरा सुन लो अभी अभी सुन लो कोई छुट्टी हो नहीं रही अभी सुनो अभी हमने जो सीखा है सर ये हमने सारा का सारा जो है कैसे एक सेक्शन को एनालाइज करना है कैसे एक सेक्शन का सेफ लोड हम लोग कैरी कर सकते हैं अब ये बताओ जब तुमको डिजाइन करना होगा खुद से जब तुमको खुद से डिजाइन करना होगा तो तुमको सेक्शन दिया नहीं होगा तुमको तुक्का लगाना पड़ेगा तुम एक बार ये सेक्शन उठाओगे तुमको बार बार अलग अलग सेक्शन उठाने पड़ेंगे तुमको बार बार अलग अलग सेक्शन उठाने पड़ेंगे और तुमको चेक करना पड़ेगा कि ये सेक्शन का लोड जो सेफ लोड आया है वो जो तुम्हारा अपलाइड लोड है उससे ज्यादा है कि नहीं एंड में लोग क्या चाहते हैं एंड में लोग ये चाहते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है जो डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आई है वो क्या हो लोड से ज्यादा हो यही चाहते हैं तो तुमको बार बार ट्राई लेना पड़ेगा ट्रायल वगैरह कैसे लेंगे ये हम लोग कल देखेंगे अगर कल की क्लास होती है तो वरना फिर जब लौट के आएंगे तभी तो बताएंगे फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में है तो तुम इससे काफी सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाओगे लेकिन अभी हम लोग को बिल्टअप कॉलम्स लैटिस बैटन और बहुत सारी चीज स्लाइसिस वगैरह काफी सारी चीज़ बची हुई है वो लोग बाद में देख पाएंगे ठीक है तो आज जो तुमको सीखने को मिला है मोटी मोटी बातें हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि सर कोड के लिए कोड में ये कर्व चल रहा है अपना इस कर्व के अंदर हमको कोई मतलब नहीं है सारे सिलेंडर रेशियो की वैल्यूज दी गई हैं और कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि जो एफ है सर आपका नॉट ओनली लेमडा का फंक्शन है एफ सी डी नॉट ओनली लेमडा का फंक्शन है एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इम्परफेक्शन और सारी चीजों को हमने इनकॉर्पोरेट किया है ठीक है सारी चीजों को हमने इनकॉर्पोरेट किया बढ़िया तरीके से और हमने एक यूलर के अलावा हमने यहाँ पे थोड़ी प्रैक्टिकलिटी भी डाल के कोड ने एक जनरल फॉर्मला यहाँ पे लिया है ठीक है जिसमें उन्होंने चार क्लास बता ही बताई ए बी सी डी उन्होंने बांटा और एक स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके उन्होंने यहाँ पे ये फॉर्मला हमको दिया ठीक है हमें नहीं मतलब 1984 से पहले क्या हो रहा है नाइनटीन के बाद क्या हो रहा है लेकिन हमें मतलब है सेवन के बाद से क्या हो है हम लोग इस जमाने में चल रहे हैं ठीक है थीके? तो हमको इससे मतलब है हम यहाँ पे बकलिंग क्लास देख चुके हैं और सब कुछ हमको पता है बस ये वैल्यू आपको सीधे कोर्ट से मिल जाती है ये वैल्यू आपको पूरी पूरी सीधे कोर्ट से मिलती है करस्पॉन्डिंग टू लेमडा करस्पॉन्डिंग टू लेमडा एंड करस्पॉन्डिंग टू इलस्ट ढाई सो ठीक है बस और आपने हमको आज एक क्वेश्चन दिखा दिया लेकिन क्वेश्चन हमको एक बात नई चीज सीखने को मिली नई चीज ये सीखने को मिली कि आपको दोनों एक्सेस जरा ध्यान से देखनी है लेंथ दोनों तरफ हमको अच्छे से देखनी है दोनों तरफ एस सी हमको देखना पड़ेगा ठीक है और सेक्शन की प्रॉपर्टीज कैसे हैंडबुक से देखनी पड़ती है ये आज तुमको हमने सिखा दिया ठीक है तो ये सारी चीज तुम सीख गए हो अगर एटलीस्ट तुमको एक सेक्शन दिया गया है तो तुम पता कर सकते हो उस पर कौन सा लोड सेफ होगा ठीक है और नहीं होगा तो तुम अपने हिसाब से ट्रायल सेक्शन ले सकते हो अपने मन से लेमडा ज्यूम करना पड़ता है पहले लेमडा ज्यूम करके फिर तुमको तुक्के लगाने पड़ते हैं और फिर जाके तुम एंड में चेक करोगे ठीक है ये बात हम हम लोग बाद में करेंगे ज्यादा ठीक है चलो एंड करते हैं यहाँ पे और अब हम लोग जरा बात कर लेते हैं एक बार क्लास की फिर से कल सुबह तुम्हारी क्लास होगी दस बजे जिसमें हम तुमको टेंशन हमारे क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि हम पता है बहुत दिनों से तुम लोग क्लास हुई नहीं है तो सब गायब हो जाएगा और इसका मेन कारण यही है कि अभी क्लास के जिस पास जियोटेक चलती है वो तुम लोग पढ़नी है अपना ठीक है तुम लोग अपना जियोटेक पढ़ जाके अब और अब हम लोग सुबह दस बजे कल सुबह दस बजे सुबह बेटा सुबह लिंक हमने टेलीग्राम में डाल दिया सबको पता सर का टेलीग्राम चैनल क्या है चेतन सर सी एस टेन वहां पर जाके जुड़ जाओ टेलीग्राम चैनल पर चेतन सर सी एस टेन पर और सुबह दस बजे हम लोग मिलते हैं पे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास करेंगे ठीक है

सर अप्लाइड लोड फैक्टर लोड से कम होगी अप्लाइड लोड फैक्टर लोड से कम होती है बिल्कुल सही बात है अप्लाइड लोड सेफ लोड होता है फैक्टर लोड ज़्यादा होता है ठीक है अप्लाइड लोड सेफ लोड सेम है जो लोड लगा रहे हैं वही लोड अप्लाई कर रहे हैं वही सेफ भी है लेकिन फैक्टर लोड ज़्यादा होता है ठीक है हाँ बिल्कुल चलो टेक केयर It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now.